का पहला क्लास है। आपके सामने स्क्रीन पर सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और इसमें आपका पेपर वन का यूनिट फोर हम लोग पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल थिंकर, समाजशास्त्रीय विचारक। हम लोग इस मटन साहब से शुरू करते हैं, 1910 से 2003, यानी इन्होंने जो लेखन का इनका जो काल रहा वो ऑलमोस्ट पार्सन्स का ही काल रहा, कहो तो पार्सन्स से 7-8 साल बाद का काल इनका रहा। हम लोगों ने पहले भी इस बात पे चर्चा की है कि कोई भी थिंकर जब समाज के बारे में विचार देता है तो उसका विचार कहीं ना कहीं उस समय की सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। जब भी कोई थिंकर बोलेगा समाज के बारे में तो जो भी उसका विचार होगा उस पर उस समय के समाज का प्रभाव जरूर होगा। या उस समय के जो बौद्धिक वर्ग है उन्होंने समाज के बारे में क्या कहा है, कैसे देखा है उन्होंने समाज के बारे में, उनका प्रभाव भी कहीं ना कहीं होगा। इसलिए थिंकर को समझने के पहले हम लोग उस समय की सामाजिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि पर भी एक बार नजर डालते हैं। हम लोग देखते हैं कि जिस समाज में कोई भी पार्टिकुलर थिंकर ने अपने विचारों को रखा, जहां उसका जन्म हुआ, जहां उसका पालन पोषण हुआ, और जब वहां पर वो समाज के बारे में कोई विचार प्रस्तुत करता है तो उस समय की सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी, उस समय की बौद्धिक परिस्थितियां कैसी थी, कौन कौन से यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोफेसर, कौन कौन से बड़े विद्वान मानव समाज के बारे में क्या कुछ कह रहे थे, एक नजर जब हम लोग डालते हैं तो फिर एक आइडिया मिलता है उस विचारक के विचारों को समझने में, उस थिंकर के विचारों को समझने में, उसका विश्लेषण करने में। दूसरी बात, जब भी हम किसी थिंकर को अभी तक पढ़ते आए तो सामान्यतः कार्ल मार्क्स को अगर छोड़ दिया जाए तो हम थिंकर के विचारों को दो भागों में बांटकर पढ़ें। सोशियोलॉजी के बारे में उनका क्या विचार है और सोसाइटी के बारे में उनका क्या विचार है। कोई भी थिंकर जब सोशियोलॉजी के बारे में विचार देता है तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि सोशियोलॉजी के उद्भव और विकास में उसका एक योगदान है ये। और किसी भी विषय के उद्भव और विकास में किसी थिंकर के योगदान को यदि हम देखते हैं तो हम तीन बातों के संदर्भ में देखते हैं कि कोई भी विचारक किसी भी विषय वस्तु के बारे में क्या बोलता है, उसकी परिभाषा के बारे में क्या बोलता है, सोशियोलॉजी क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में कोई पार्टिकुलर थिंकर का क्या विचार है। दूसरा, सोशियोलॉजी का नेचर क्या है, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ये विज्ञान है या कला है, इसके बारे में उस पार्टिकुलर थिंकर का क्या विचार है। और तीसरा, सोशियोलॉजी की अध्ययन पद्धति क्या है, सोशियोलॉजी की मेथोडोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी अपने विषय वस्तु का अध्ययन करते समय किन पद्धतियों का प्रयोग करता है, तरीका क्या है सोशियोलॉजी का, सोसाइटी के अध्ययन का, इसके बारे में अगर किसी पार्टिकुलर थिंकर ने कोई विचार दिया है तो हम उस विचार को पढ़ेंगे और कहेंगे कि यह है सोशियोलॉजी के बारे में पार्टिकुलर थिंकर का विचार। क्योंकि कार्ल मार्क्स एक प्योर सोशियोलॉजिस्ट नहीं थे, कार्ल मार्क्स एक समाज के बारे में विचार देने वाले विचारक थे, कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक थे और उन्होंने जिस तरीके से समाज को देखा, सामाजिक घटनाओं को देखा, कहीं ना कहीं उसमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इसलिए कार्ल मार्क्स के विचारों को हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स के विचारों को फिलॉसफी में भी पढ़ा जाता है, कार्ल मार्क्स को इकोनॉमी में भी पढ़ा जाता है, कार्ल मार्क्स को पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा जाता है। इसके अलावा जब हम लोगों ने दुर्खिम को पढ़ा तो हमने देखा कि दुर्खिम ने समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा, समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा, दुर्खिम ने समाज के बारे में क्या कहा। हमने मैक्स वेबर को पढ़ा, वहां भी देखा कि मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा और समाज के बारे में क्या कहा, समाजशास्त्र की विषय वस्तु प्रकृति अध्ययन पद्धति के बारे में मैक्स वेबर का क्या कहना। हम लोगों ने पार्सन्स को पढ़ा तो पार्सन्स को भी हम लोगों ने मोटे तौर पर देखा कि समाज के बारे में इनका क्या विचार है, क्योंकि टॉपिक वही है। समाजशास्त्र के बारे में इनका जो विचार है ये बहुत प्रमुख नहीं है बट फिर भी है।
सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोगों ने नहीं पढ़ा। और मर्टन को भी हम पढ़ेंगे तो मर्टन के विचारों को भी हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी के बारे में इनका क्या विचार है और सोसाइटी के बारे में इनका क्या विचार है। सबसे पहले एक बात हम लोग जान लें कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला एक विषय है, एक सब्जेक्ट, जिसका सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु सोसाइटी है, मानव समाज है। इस समाज का अध्ययन करता है यह विषय और समाज के मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करता है, पहली बात। दूसरी बात, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है, एक साइंस है, सोशियोलॉजी। साइंस का मतलब हुआ कि ये सामाजिक घटनाओं का अध्ययन जब करता है तो ये मानकर चलता है कि सामाजिक घटनाएं कुछ निश्चित नियमों के तहत संचालित होती है जिनको जाना जा सकता है, जिसके बारे में पता लगाया जा सकता है। ये मानकर चलता है कि सामाजिक घटनाओं के पीछे कोई निश्चित कारण होता है, निश्चित नियम होता है। और अगर समाज का या सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए तो इन निश्चित नियमों का पता लगाया जा सकता है और उसके आधार पर ठीक प्राकृतिक विज्ञान की तरह समाजशास्त्र में भी सामाजिक घटनाओं के बारे में कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जा सकती है, सिद्धांत, सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है और भविष्यवाणी की जा सकती है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह विज्ञान। हालांकि प्राकृतिक विज्ञान के समकक्ष है कि नहीं, एक बहुत बड़ा विवाद का विषय है, बट विज्ञान है, हमें कहेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब साइंस है। और तीसरी बात, समाजशास्त्र समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से, वैज्ञानिक पद्धति से समाज का अध्ययन करता है, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मतलब हम किसी भी घटना के सामाजिक आयामों को देखते हैं, हमारा जो नजरिया है, सोशियोलॉजी का जो नजरिया है वो सोशल डायमेंशन को देखना है। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया कि अगर पंचायती राज का अध्ययन करेगा पॉलिटिकल साइंस तो मैकेनिज्म ऑफ पंचायती राज पे वो फोकस्ड होगा, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के एक पार्ट के रूप में पंचायती राज क्या है पर फोकस्ड होगा। लेकिन जब पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन सोशियोलॉजी करेगा तो देखेगा कि पंचायती राज व्यवस्था ने भारत में भारतीय समाज को, ग्रामीण समाज को किस रूप में प्रभावित किया और ग्रामीण सामाजिक संरचना ने पंचायती राज व्यवस्था को किस रूप में प्रभावित किया है। पंचायती राज व्यवस्था का एज ए सोशल फेनोमेना, एज ए पॉलिटिकल फेनोमेना ग्रामीण समाज पर प्रभाव और ग्रामीण समाज का पंचायती राज व्यवस्था पर प्रभाव, इसको कहते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अगर हम किसी मशीन का अध्ययन करते हैं, अगर हम अल्ट्रासाउंड मशीन का अध्ययन करते हैं तो एक इंजीनियर उसके मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करेगा, एक डॉक्टर व्यक्ति के इलाज में उसकी क्या भूमिका है उस संदर्भ में उसको देखेगा, एक अर्थशास्त्री देखेगा कि अल्ट्रासाउंड मशीन बनाने में क्या लागत खर्च आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से दुकानदार तक, रिटेलर तक पहुंचाने में क्या लागत खर्च आता है, कितना इन लोगों को देने के बाद में क्या मूल्य रखा जाए कि एक विशेष एक फायदा हो, एक स्पेसिफिक फायदा हो, जो भी इन पहलुओं पर जो विचार करने वाला पर्सपेक्टिव है इसको हम अर्थशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं, अर्थशास्त्र का। लेकिन सोशियोलॉजी देखता है कि अल्ट्रासाउंड मशीन का समाज पर क्या प्रभाव है, मतलब इसके सोशल डायमेंशन को हम देखने का प्रयास करते हैं। आपके सोशियोलॉजी में, इंडियन सोसाइटी में या सोशल जस्टिस जहां जहां है वहां वहां सोशल डायमेंशन पे ही विचार अपेक्षित है। हम इसके सोशल डायमेंशन को देखेंगे, हम देखेंगे कि कैसे अल्ट्रासाउंड मशीन ने मानव समाज को, भारतीय समाज को प्रभावित किया, कैसे इसके माध्यम से, ठीक है, इसके माध्यम से पेट के अंदर भ्रूण की कमियों का पता लगाया जाना संभव हुआ, पेट के अंदर ही भ्रूण का ट्रीटमेंट संभव हुआ और मृत्यु दर को रोका गया,
लेकिन इसका एक और प्रभाव है कि पेट के अंदर लिंग पहचान को इसने संभव बनाकर कन्या भ्रूण हत्या को भी संभव बनाया है। शिशु लिंगानुपात को कम करने में अहम भूमिका निभाई है, लिंगानुपात को कम करने में अहम भूमिका निभाई है, यह भी इसका एक प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव है। अब मेडिकल साइंस में लिंगानुपात पर अल्ट्रासाउंड मशीन की क्या भूमिका है यह नहीं पढ़ाया जाएगा, अर्थशास्त्र भी नहीं पढ़ेगा, यह विषय वस्तु किसका है, सोशियोलॉजी का है। तो सोशियोलॉजी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से किसी घटना का विश्लेषण करता है, किसी घटना का अध्ययन करता है, बहुत क्लियर है। दूसरी बात, अब सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी दो पर्सपेक्टिव है इसके अंदर। जब हम किसी घटना के सामाजिक आयामों का विश्लेषण करते हैं, घटना का समाज पर क्या प्रभाव है का विश्लेषण करते हैं, तो विश्लेषण करते समय हमारा नजरिया दो तरह का हो सकता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। मतलब घटना का समाज पर केवल निगेटिव प्रभावों की, कोचिंग का समाज पर क्या प्रभाव है, हमने 100 पेज में लिखा और 100 पेज में 99 पेज में हमने केवल नकारात्मक प्रभावों की चर्चा की, हानियों की चर्चा की। आप कह सकते हो कि कोचिंग के बारे में जो पुस्तक डॉक्टर एस.एस. पांडे ने लिखी है वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव तो है, लेकिन इन्होंने कोचिंग के केवल हानियों की चर्चा की है, नकारात्मक प्रभावों की चर्चा की है, इन्होंने उसके सकारात्मक प्रभावों की चर्चा नहीं की। या फिर कोई और अगर कोचिंग के बारे में लिखता है, कोचिंग के सामाजिक प्रभावों के बारे में लिखता है और 100 पेज में लिखता है और 99 पेज कोचिंग के लाभों की चर्चा में लगा देता है, हानि की चर्चा लगभग नहीं करता है, तो आप कह सकते हो कि उनका कोचिंग का विश्लेषण सोशियोलॉजिकल तो है लेकिन नकारात्मक विश्लेषण या सकारात्मक विश्लेषण है। इन्होंने नकारात्मक पक्षों को इग्नोर किया है। कोचिंग के सामाजिक आयामों का विश्लेषण, कोचिंग का समाज पर क्या प्रभाव है, इसका विश्लेषण तटस्थ होना चाहिए और उस विश्लेषण में सकारात्मक प्रभावों की भी चर्चा होनी चाहिए, नकारात्मक प्रभावों की भी चर्चा होनी चाहिए, लाभ और हानि दोनों की चर्चा होनी चाहिए। यही अध्ययन का बेहतर तरीका है। बट समाज वैज्ञानिकों ने समाज के बारे में लिखते समय कहीं ना कहीं किसी न किसी परिप्रेक्ष्य से प्रभावित रहे हैं। सकारात्मक परिप्रेक्ष्य को हमने नाम दिया जाता है प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। सकारात्मक हमने कह दिया, बस इसके लिए टेक्निकल वर्ड जो यूज करते हैं हम वो है प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, फंक्शनल पर्सपेक्टिव। और नकारात्मक के लिए जो टेक्निकल वर्ड है वो है डायलेक्टिकल पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य, संघर्षात्मक परिप्रेक्ष्य। और ध्यान रखो, द्वंद्वात्मक परिपेक्ष और संघर्षात्मक परिपेक्ष पे सबसे ज्यादा लिखने वाले विचारक, सबसे पॉपुलर विचारक कार्ल मार्क्स हैं, इसलिए इसको कार्ल मार्क्स के नाम से ही रूढ़ हो गया है, जाना जाता है मार्क्सवादी परिपेक्ष। तो प्रकार्यवादी परिपेक्ष, मार्क्सवादी परिपेक्ष, यहां पर द्वंद्ववादी परिपेक्ष भी कह सकते हो। तो बहुत सारे विद्वानों ने द्वंद्ववादी परिपेक्ष से समाज का विश्लेषण किया है, सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण किया है। तो बहुत सारे लोगों ने प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से समाज का विश्लेषण किया है, सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण किया है। हमारे दिए हुए थिंकर में कार्ल मार्क्स का पर्सपेक्टिव द्वंद्वात्मक पर्सपेक्टिव रहा है। दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन का पर्सपेक्टिव प्रकार्यात्मक पर्सपेक्टिव रहा है, फंक्शनल पर्सपेक्टिव रहा है। सबका सोशियोलॉजिकल रहा है, ये आपको बात मानना होगा, क्योंकि सोशियोलॉजी में हम तभी पढ़ रहे हैं। अगर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नहीं होता तो हम सोशियोलॉजी में इनको नहीं पढ़ते, इनको सोशियोलॉजिकल थिंकर नहीं कहा जाता। लेकिन कुछ ने समाज के बारे में लिखते समय उसके सकारात्मक पहलुओं पर फोकस्ड हुए हैं, तो कुछ इसके नकारात्मक पहलुओं पर फोकस्ड हुए हैं। इसलिए जब हम इन थिंकर के विचारों को पढ़ेंगे, मान लो दुर्खीम को हमने पढ़ा, पार्सन्स को हमने पढ़ा, ठीक है, तो हम पूरे विश्लेषण के बाद इन्होंने जो भी विचार दिया एक आलोचना जरूर बनेगी, ये फंक्शनल एनालिसिस की आलोचना है कि इन्होंने घटना का विश्लेषण करते समय घटना के सकारात्मक प्रभावों पर विशेष बल देकर नकारात्मक प्रभावों की उपेक्षा की। और जब हमने मार्क्स का हम एनालिसिस करेंगे तो हम लिखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने मानव समाज का विश्लेषण करते समय मानव समाज के नकारात्मक पहलुओं के विश्लेषण पर बल दिया है और इसके सकारात्मक पक्षों की क्या करी है, उपेक्षा करी है। तो याद रखो, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला एक विषय है, एक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विषय है, समाजशास्त्र
समाज का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है जो वैज्ञानिक पद्धति से और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में प्रकार्यात्मक पर्सपेक्टिव, फंक्शनल पर्सपेक्टिव और डायलेक्टिकल पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, बिल्कुल क्लियर है। और वैज्ञानिक पद्धति में एक प्रमुख पद्धति है प्रत्यक्षवादी पद्धति, और दूसरा पद्धति है जिसको हम वर्स्टेहेन या इंटरप्रेटिव मेथड कहते हैं। प्रत्यक्षवादी पद्धति के विचारकों में एमिल दुर्खिम प्रमुख है, इसके बाद पार्सन्स और मर्टन भी प्रत्यक्षवादी पद्धति के अंतर्गत माने जाते हैं। इनके अध्ययन की पद्धति भी प्रत्यक्षवादी है, यद्यपि पार्सन्स ने कहीं कोई फील्ड वर्क प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण के आधार पर नहीं किया है, लेकिन अप्रोच कहीं ना कहीं इनका रुझान झुकाव कहीं ना कहीं प्रत्यक्षवादी मान्यताओं की तरफ है। वहीं पर मैक्स वेबर का पर्सपेक्टिव मनोवैज्ञानिक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का पर्सपेक्टिव मनोवैज्ञानिक है। यहां और बात ध्यान देने की है कि हर्बर्ट मीड जो है वो पूरी तरह समाजशास्त्री नहीं है, बल्कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक सोशल साइकोलॉजिस्ट है, लास्ट के जो थिंकर है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो मैंने काफी कुछ आपको बता दिया, एक आउटलाइन मैंने आपको दिया, और इसी आउटलाइन के संदर्भ में हम लोग मर्टन को पढ़ेंगे। मर्टन भी एक सोशियोलॉजिस्ट है, क्लियर है इन्होंने क्या किया होगा, घटनाओं का सामाजिक आयामों का विश्लेषण किया होगा, समाजशास्त्र के बारे में विचार दिया होगा और समाज के बारे में विचार दिया होगा। मर्टन एक प्रत्यक्षवादी विचारक है, क्लियर है कि इनकी अध्ययन पद्धति प्रत्यक्षवादी पद्धति होगी, और इन्होंने समाज का विज्ञान बनाने का प्रयास किया होगा। मर्टन एक प्रकार्यवादी विचारक है, द्वंद्ववादी नहीं, मार्क्सवादी नहीं है, ये हम लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, मर्टन अपने को प्रकार्यवादी नहीं कहते हैं, ध्यान देना, प्रकार्यवादी विचारक है। मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि मर्टन ने समाज का विश्लेषण करते समय कहीं ना कहीं इनका झुकाव सकारात्मक पक्षों की तरफ रहा है। इन सभी समाज वैज्ञानिकों ने में या समाज के बारे में जितने भी लोगों ने लिखा है सोशल साइंस में, लंबे समय से एक बहस जरूर रही है कि समाज महत्वपूर्ण या व्यक्ति महत्वपूर्ण। जब हम सोसाइटी का एनालिसिस करते हैं, ये विद्वान जब सोसाइटी का एनालिसिस करते हैं, तो एक बात जरूर आती है कि सोसाइटी को किसने बनाया, समाज ने बनाया या समाज ने सोसाइटी को मनुष्य ने बनाया या मनुष्य को सोसाइटी ने बनाया, समाज को बनाने वाला कौन है? ढेर सारे मनुष्य, मनुष्य क्रिया अंतःक्रिया से समूह बनाए, समाज बनाए, मनुष्य की सोच बदलती है, क्रिया अंतःक्रिया बदलती है, समाज बदल जाता है। समाज को मनुष्यों ने बनाया, धरती पर हम आए, मनुष्य आए, जानवर आए, हम दोनों की जरूरतें थी, दोनों ने प्रकृति का दोहन करके अपनी जरूरतों को पूरा किया, लेकिन जानवरों से मनुष्य दिमाग वाला प्राणी था, समृद्ध मस्तिष्क वाला प्राणी था, अलग था जानवरों से, इसलिए इसने जब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ किया तो ढेर सारी चीजें बना डाली, इसको हम समाज कहते हैं, जो जानवरों के पास नहीं है। तो समाज का निर्माता मनुष्य है। तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, समाज समाज है, इसमें तो मनुष्य पैदा लेते हैं, मरते हैं, पैदा लेते हैं, मरते हैं, लेकिन समाज की कंटिन्यूटी बनी रहती, समाज की निरंतरता बनी रहती। जैसे समाज में मनुष्य जन्म लेता है, जिस तरह का उसका पालन पोषण होता है वैसा ही मनुष्य बनता है, इसलिए मनुष्य ने समाज को नहीं बनाया, समाज मनुष्य को बनाता है, मनुष्य समाज का उत्पाद है, मनुष्य समाज का उत्पाद है। यानी मनुष्य और समाज, व्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों के बहस में कुछ लोग समाज को प्रमुखता देते हैं, कुछ लोग व्यक्ति को प्रमुखता देते हैं। हमेशा ध्यान दो, हमारे इन विचारक, समाजशास्त्रीय विचारक महोदय में से एमिल दुर्खिम ने, पार्सन्स ने और मर्टन ने समाज को प्रमुखता दी है, मैक्स वेबर ने और मीड ने मनुष्य को प्रमुखता दी है, दिमाग में रहना चाहिए। कार्ल मार्क्स समाज को प्रमुखता देते हैं, मनुष्य को भी प्रमुखता देते हैं, लेकिन समाज, कार्ल मार्क्स समाज के एक प्रमुख अंग
इकोनॉमी को प्रमुखता देते हैं। इसलिए जब भी हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स ने कहा कि मानव समाज कई अंगों से मिलकर बना है, लेकिन इन सभी अंगों में इकोनॉमी सबसे प्रमुख है, इकोनॉमी केंद्रीय है, इकोनॉमी आधार है, सब स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। ये है अलग अलग विद्वानों का कुछ अलग अलग विचार, कुछ एक आउटलाइन जो मैंने दिया। और जब भी मैं कोई नया टॉपिक शुरू करता हूं तो एक बार दोहरा देता हूं। और इसी संदर्भ में अब हम लोग मर्टन को पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर एक बात मैं और बताना चाहूंगा बच्चा, अगर द्वंद्ववाद यहां है और प्रकार्यवाद यहां है, मतलब सकारात्मक विश्लेषण, और यह है तटस्थ विश्लेषण, ये है तटस्थ विश्लेषण, किसी भी घटना के सकारात्मक पहलुओं की चर्चा, किसी भी घटना के नकारात्मक पहलुओं की चर्चा, और किसी भी घटना का तटस्थ विश्लेषण। तो जितने भी विचारकों की चर्चा हम लोगों ने की, 100% प्रकारवाद की तरफ नहीं झुके हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अगर हम एमिल दुर्खिम की बात करें तो दुर्खिम यहां है, मतलब दुर्खिम का विचार प्रकारवाद की तरफ मैक्सिमम झुका हुआ है। ऐसा नहीं है कि दुर्खिम के विश्लेषण में नकारात्मक चीजें बिल्कुल नहीं है। दुर्खिम एनोमी की चर्चा करता है, यानी दुर्खिम स्वीकार करता है कि मानव समाज में निगेटिव चीजें होती है, लेकिन अपने विश्लेषण में उन निगेटिव चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस न करके पॉजिटिव चीजों पर फोकस्ड हुआ सबसे ज्यादा। इसलिए हम कहेंगे कि एमिल दुर्खिम यहां पर है, यहां। क्या पार्सन्स को हम जब प्रकार्यवादी कहते हैं तो क्या पार्सन्स भी यही खड़ा है? तो बड़ा क्लियर है कि पार्सन्स भाद का विचारक है। जब मानव समाज के बारे में एमिल दुर्खिम ने विश्लेषण प्रस्तुत किया, धर्म के बारे में विश्लेषण दिया, आत्महत्या के बारे में, श्रम विभाजन, बहुत सारी चीजों के बारे में, तो दुर्खिम की आलोचना हुई। और आलोचना में एक प्रमुख आलोचना थी कि दुर्खिम ने सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करते समय उनके सकारात्मक पहलुओं पर के विश्लेषण पर अधिक बल दिया है और नकारात्मक पहलुओं की उपेक्षा की है। धर्म के क्या क्या लाभ हैं इसके विश्लेषण पर वो फोकस्ड हैं, धर्म का क्या समाज के लिए हानिकारक प्रभाव है इसके विश्लेषण पर फोकस्ड नहीं होते हैं दुर्खिम। श्रम विभाजन के लाभकारी पहलुओं की चर्चा ज्यादा करते हैं और श्रम विभाजन के हानिकारक पहलुओं की उपेक्षा करते हैं, इग्नोर करते हैं अपने विश्लेषण। बट जब हम पार्सन्स की बात करते हैं, पार्सन्स भी प्रकार्यवादी है, लेकिन दुर्खिम की आलोचना उनको पता चल चुकी थी, इसलिए उन्होंने कोशिश किया कि उनके विश्लेषण में बहुत ज्यादा आलोचना नहीं आए, तो उन्होंने नेगेटिव चीजों को भी ध्यान दिया, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव की तरफ ज्यादा झुके रहे। तो हम कहेंगे कि पार्सन्स प्रकार्यवादी है लेकिन दुर्खिम से थोड़ा कम उनके विश्लेषण में, इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्सन्स यहां है। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना बच्चा, पार्सन्स यहां है। मर्टन भी प्रकार्यवादी है, मर्टन भी प्रकार्यवादी है, लेकिन मर्टन ने कोशिश किया है कि प्रकार्यवादी का तगमा, उसका ठप्पा उसके ऊपर ना लगे, वो अपने को तटस्थ विश्लेषक बनाने का प्रयास करते हैं।
इसलिए हम कहेंगे कि प्रकार्यवादी हम कहते हैं, लेकिन मर्टन यहां है, यानी मर्टन के विश्लेषण में भी झुकाव किधर की तरफ है, प्रकार्यवाद की तरफ, इसलिए हम लोग कहते हैं कि मर्टन एक प्रकार्यवादी विचारक है। लेकिन मानव समाज का विश्लेषण करते समय मर्टन ने इन दोनों की तुलना में समाज के नकारात्मक पक्षों के विश्लेषण को भी स्थान दिया है, लेकिन उतना नहीं दिया है जितना होना चाहिए। घुमा फिरा के कहीं ना कहीं ये समाज के असामाजिक घटनाओं के विश्लेषण में उसके सकारात्मक पक्षों के विश्लेषण पर अधिक फोकस रहे हैं, ये चीजें हम दिखाएंगे। इसलिए हम कहते हैं, और इसी क्रम में व्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों के बारे में भी यह बात ध्यान में रखना। समाज की तरफ दुर्खिम ज्यादा झुके, पार्सन्स भी समाज की तरफ झुके हैं लेकिन दुर्खिम से कम, और मर्टन भी समाज की तरफ झुके हैं लेकिन इनसे कम, बट फिर भी हम तीनों को प्रकार्यवादी विचारक कहते हैं। उसी तरीके से कार्ल मार्क्स, मार्क्स यहां है 100% नहीं है, इतने सुलझे हुए हैं लोग। तो अगर हम डायलेक्टिज्म और फंक्शनलिज्म को दो पोल मानते हैं तो इन थिंकर की अवस्थिति इसमें यही है। यही कारण रहा कि मार्क्स की आलोचना हुई कि इन्होंने नेगेटिव चीजों की उपेक्षा फोकस किया और पॉजिटिव की उपेक्षा की। इसलिए मार्क्स के जो फॉलोअर्स थे बाद में, उन्होंने मार्क्स के मूल विचारों को तो अपनाया, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, लेकिन मार्क्स की कमियों को भी उन्होंने दूर करने का प्रयास किया, इसलिए वो यहां रहे। यानी नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव को भी महत्व दिया। तटस्थ का मतलब 50-50 पॉजिटिव चीजों की चर्चा, 50 निगेटिव चीजों की चर्चा, ये यहां रहे। फिर भी हम इनको तटस्थ नहीं मानते हैं क्योंकि ये झुके किधर की तरफ रहे, मार्क्स की तरफ रहे। इन्होंने मार्क्स के विचारों को स्वीकार किया लेकिन मार्क्स के विचारों के साथ साथ कुछ पॉजिटिव चीजों को भी स्वीकार कर लिया, इसलिए इनको नौ मार्क्सवादी की संज्ञा देते हैं। ध्यान देना, नौ नौ मार्क्सवाद। और उसी तरह पार्सन्स के शिष्यों ने मानव समाज का विश्लेषण करते समय पार्सन्स को उन्होंने स्वीकार किया, केंद्र में रखा, पार्सन्स के विचारों को केंद्र में रखा, लेकिन उन्होंने नेगेटिव चीजों की भी चर्चा की, पार्सन्स की कमियों को भी दूर करने का प्रयास किया। इसलिए प्रकार्यवादी और द्वंद्ववाद के इस दो पुल में हम उनको कहां रखेंगे, तो हम उनको यहां रखेंगे, और ये कहलाए नौ प्रकार्यवाद। याद होगा नौ प्रकार्यवाद, नौ पार्सन्सवाद चर्चा कर चुके हैं। पार्सन्स ने समाज पर बल दिया था, इन्होंने समाज के साथ साथ व्यक्ति को भी महत्व प्रदान किया, क्रिया को भी महत्व प्रदान किया। पार्सन्स पॉजिटिव चीजों के विश्लेषण पर फोकस थे, ये पॉजिटिव के साथ साथ अपने विश्लेषण में निगेटिव चीजों को भी प्रॉपर स्थान देने का प्रयास किया, बट झुके किधर की तरफ रहे, बिल्कुल तटस्थ नहीं। अगर बिल्कुल तटस्थ होते तो हम प्रकार्यवादी इनको क्यों कहते, भी प्रकार्यवादी है, नौ प्रकार्यवादी है ये, यानी झुके प्रकार्यवाद की तरफ रहे। इसलिए जब हम नौ मार्क्सवाद की चर्चा करते हैं, नौ प्रकार्यवाद की चर्चा करते हैं, तो आप देख रहे हो दोनों एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे को निकट आ जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसे विचारक भी हुए बच्चा जिनको कि नौ प्रकार्यवादी में भी रखा जाता है और नौ मार्क्सवादी में भी रखा जाता है, आपको जान के, जैसे हेबरमास, जेफ्री अलेक्जेंडर, जेफ्री अलेक्जेंडर जिन्होंने की पार्सन्स के विचारों पर सेमिनार करवाया, ये मार्क्सवादी विचारक थे और पार्सन्स के भी फॉलोअर बने, कि दोनों निकट आ गए, बैलेंस तटस्थ विश्लेषण पर बल दिया गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब हम व्यक्ति और समाज की बात करते हैं तो कुछ विचारक
समाज पर अधिक, दूसरा वाला उससे कम समाज पर, तीसरा वाला उससे कम समाज पर, लेकिन व्यक्ति और समाज के बहस में वो समाज पर झुके हुए हैं, इसलिए हम उनको समाज वाले कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं, और जो व्यक्ति की तरफ झुके हुए हैं जैसे मैक्स वेबर, जैसे मीड, हम उनको व्यक्ति वाली कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। लेकिन मात्रा का फर्क होता है। तो ये हमारे थिंकर मानव समाज का विश्लेषण करते समय इस कमी से ग्रसित रहे हैं, इन कमियों से समाज को इस रूप में इन्होंने देखने का प्रयास किया। डन। तो मर्टन का स्थान मैंने आपको दिखा दिया, यानी मर्टन प्रकार्यवादी विचारक हैं, लेकिन इन दोनों से कम है, और मर्टन ने अपने को प्रकार्यवादी मानने से इनकार किया है, बल्कि मर्टन ने पहले वाले प्रकार्यवाद को मॉडिफाई किया है, संशोधित किया है, कहा है गलत है ये। क्लियर है बच्चा? आगे चल करके अब हम लोग देखते हैं इनके विचारों को। यूपीएससी के सिलेबस, रॉबर्ट के मर्टन, अमेरिका, 1910 से 2003। यूपीएससी में मर्टन के तीन टॉपिक पढ़ने हैं हम लोगों को, एक टॉपिक, दो टॉपिक और तीन टॉपिक। पहला टॉपिक हम लोगों का है लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन। लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार, ये क्या है? हम कह सकते हैं कि ये सोशियोलॉजी में मर्टन का योगदान है। सोशियोलॉजी में जो प्रकार्यवादी परिपेक्ष था, सोशियोलॉजी में जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव था सामाजिक घटनाओं की एनालिसिस का, मर्टन ने उसका संशोधन किया, मर्टन ने उसका संशोधन किया, सुधार किया, और उसी सुधार के क्रम में इन संकल्पनाओं का प्रयोग किया। ये हम लोगों को पढ़ना है। और दूसरा टॉपिक है कॉन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस, अनुरूपता और विचलन। इतना तो हम लोग जान ही चुके हैं कि समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना अनुरूपता कहलाता है, और समाज के नियमों से हटकर व्यवहार करना विचलन कहलाता है। अनुरूपता और विचलन, व्यक्ति अनुरूपता क्यों करता है, कैसे करता है, क्या कारण होता है? व्यक्ति विचलन क्यों करता है, नियमों से हटकर कैसे व्यवहार करता है, क्या कारण होता है? अपराध लोग क्यों करते हैं, उस समय अपराध के बारे में बहुत सारा विश्लेषण चल रहा था, मर्टन ने भी अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया। कॉन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस, ये हम लोग देखेंगे। और तीसरा टॉपिक है रिफरेंस ग्रुप थ्योरी, संदर्भ समूह व्यवहार सिद्धांत। इस पर भी मर्टन ने अपना विचार दिया। संदर्भ समूह, वो समूह जिसको हम अपने किसी विशेष संदर्भ में अपने दिमाग में यूज करते हैं, जिससे हम अपनी स्थिति की तुलना करते हैं, जिसके संदर्भ में हम अपनी स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। पढ़ेंगे आगे। ये तीन टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं और जरा सा मर्टन के इन टॉपिक को उस समय के सामाजिक और भौतिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखने का प्रयास करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है समाजशास्त्रीय चिंतक रॉबर्ट के मर्टन, 1910-2003। अब हम इसको ऊपर उठाते हैं तो आपका यह है सामाजिक पृष्ठभूमि मर्टन के समय का, और यह है बौद्धिक पृष्ठभूमि मर्टन के समय का, और दोनों ही पृष्ठभूमि के संदर्भ में मर्टन का जो विचार हम लोगों को पढ़ना है, यह विचार है प्रकार्यवाद, संदर्भ समूह व्यवहार, विसंगति, अनुरूपता और विचलन। हमने इसको चार पार्ट में कर दिया। जो प्रकट और अप्रकट प्रकार्य है उसकी जगह पर हमने प्रकार्यवाद शब्द को लिख दिया। सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि,
कि मर्टन का काल भी पार्सन्स वाला काल था और दोनों अमेरिका से थे, तो ऑलमोस्ट सामाजिक पृष्ठभूमि सेम होगी। मार्क्स के समय में यूरोप के समाज में बहुत सारी समस्याओं का प्रादुर्भाव हो चुका था, लेकिन पार्सन्स का जो काल था वो काल सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का काल था, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार की बात ही मत कहो बल्कि कहो तो 20वीं सदी के पूर्वार्ध से ही अमेरिका एक समृद्ध औद्योगिक समाज के रूप में उभर रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका और समृद्ध समाज के रूप में उभर कर सामने आया था। सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा था, समाज में एक संगठन कायम था, समाज में एक व्यवस्था कायम था। समाज में गड़बड़ियां, द्वंद, प्रॉब्लम ज्यादा थी मार्क्स के काल में। मार्क्स ने मानव समाज का विश्लेषण करते समय लिखा कि मानव समाज की केंद्रीय विशेषता द्वंद है, लड़ाई झगड़ा है, तनाव है, गड़बड़ियां है, कमियां है। क्योंकि मार्क्स के समय में लड़ाई झगड़ा द्वंद तनाव के सबसे मूल में औद्योगिक क्रांति थी, इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज था। उस समय इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस यूरोप में बढ़ चुका था। मार्क्स ने इन सभी गड़बड़ियों के लिए इकोनॉमी को उत्तरदायी ठहराया, इकोनॉमी को समाज के केंद्र में रख करके समाज का विश्लेषण किया। तो कहीं ना कहीं मार्क्स के विचारों को स्वरूप प्रदान करने में उस समय की सामाजिक पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन पार्सन्स के समय एक समृद्ध अमेरिकी समाज था, इसलिए पार्सन्स ने कहा कि भाई मानव समाज की केंद्रीय विशेषता द्वंद, संघर्ष, गड़बड़ियां नहीं है बल्कि व्यवस्था, संगठन, अनुरूपता, मूल्य एकमत्यता, संगठन, एकीकरण, बढ़िया 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 संगठन और व्यवस्था मानव समाज की केंद्रीय विशेषता है। और इसी संदर्भ में पार्सन्स ने अपना द सोशल सिस्टम पुस्तक लिखी, किताब लिखी, समाज के बारे में सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया और कहा कि मानव समाज एक पूर्ण सामाजिक व्यवस्था है, सोसाइटी एज ए सिस्टम, जिसके सभी अंग फंक्शनली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिनके सभी अंगों में मूल्य एकमत्यता पाई जाती है, इनके सारे अंग समाज के मूल्यों और नियमों के अनुरूप व्यवहार करते हैं, फलतः समाज में एकीकरण और संतुलन बना रहता है, व्यवस्था बनी रहती है, समाज एक पूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं पार्सन्स के विचारों पर समृद्ध अमेरिकी औद्योगिक समाज का प्रभाव था। लेकिन जब हम मर्टन की सामाजिक पृष्ठभूमि देखते हैं तो मर्टन पार्सन्स से थोड़ा सा ज्यादा बड़े थे, छोटे थे। पार्सन्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि 60 के दशक में अमेरिकी समाज में पूरी तरह से डिस्टर्बेंस आ गया। 60 के दशक में अमेरिकी समाज फिर से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक समृद्ध अमेरिकी औद्योगिक समाज स्थापित हुआ और 60 के दशक में अमेरिकी समाज फिर से डिस्टर्बेंस के दौर से गुजर गया। आर्थिक विकास हुआ लेकिन आर्थिक विकास ने तीव्र प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया, इस तीव्र प्रतिस्पर्धा ने समाज में बहुत सारी गड़बड़ियों को जन्म दिया, बहुत सारे लोग असंतुष्ट होकर के ढेर सारा आंदोलन करने लगे, रेडिकल फेमिनिज्म, महिलावादी आंदोलन चरम पर रहा अमेरिका में उस समय, ब्लैक मूवमेंट चरम पर रहा अमेरिका में उस समय, स्टूडेंट मूवमेंट चरम पर रहा अमेरिका में, लेबर मूवमेंट चरम पर रहा अमेरिका में। यही वो फेज था जब अमेरिका में करप्शन बहुत तेजी से बढ़ा, यही वो फेज था जब अमेरिका में नशाखोरी, ड्रग्स एडिक्शन बहुत तेजी से बढ़ा, हिपिज्म बहुत तेजी से बढ़ा। वियतनाम युद्ध ने भी अमेरिका में नेगेटिविटी को दर्शाया। पार्सन्स जब लिख रहा था या लिख रहे थे तो समृद्ध अमेरिकी समाज का छाप दिमाग में था और लिखते चले गए, लेकिन मर्टन जब लिख रहे थे तो मर्टन ने समृद्ध अमेरिकी समाज को भी देखा और 60 के दशक वाले गड़बड़ समाज को भी देखा, 60 के दशक वाले गड़बड़ समाज को भी देखा। इसलिए जब मर्टन ने अपने विचारों को रखा तो अच्छा अच्छा तो रखा ही लेकिन थोड़ी गड़बड़ियों को भी उसने समाहित किया।
जिनको नौ प्रकारवादियों ने ऑलरेडी समाहित किया था 84 में, मर्टन ने उसी समय समाहित किया। इसलिए अगर हम मर्टन की सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उनके विचारों पर उसका प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देता है। और सामाजिक पृष्ठभूमि में पहला है समृद्ध अमेरिकी औद्योगिक समाज, ये वही सामाजिक पृष्ठभूमि है जो कि पार्सन्स के समय में थी। और दूसरा है अमेरिकी समाज में अनुकूलन की समस्या, मतलब गड़बड़ियां, इस 60 के दशक वाला फेस था। अमेरिकी समाज विकसित हो चुका था, समृद्ध हो चुका था, व्यवस्था कायम थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनुकूलन की समस्या उभर कर सामने आ रही थी जो 60 के दशक में चरम पर पहुंची। मर्टन के समय की यह सामाजिक पृष्ठभूमि थी और इसने मर्टन के विचारों को स्वरूप प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। यही कारण है कि मर्टन के विचारों में सामाजिक व्यवस्था के बारे में एक अप्रोच तो है ही कि कहीं ना कहीं समाज में सिस्टम है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ समाज की गड़बड़ियों की भी चर्चा मर्टन ने प्रस्तुत की। हम अगर विचारधारा के संदर्भ में देखें तो प्रत्यक्षवाद, मर्टन के समय के में प्रत्यक्षवाद एक प्रमुख विचारधारा थी जो मानव समाज के प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण, सामाजिक घटनाओं के प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण की पद्धति द्वारा अध्ययन पर बल दे रही थी। प्रत्यक्षवाद मानव समाज को प्रकृति का अंग मानते हुए, सोसाइटी को नेचर का पार्ट मानते हुए, सामाजिक घटनाओं को प्राकृतिक घटनाओं के समकक्ष माना, सामाजिक घटनाओं को भी प्राकृतिक घटनाओं की तरह कुछ फिक्स, पूर्व निर्धारित, निश्चित, अपरिवर्तनीय नियमों द्वारा संचालित माना। और प्रत्यक्षवादियों ने कहा कि अगर प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण की पद्धति द्वारा, प्राकृतिक विज्ञान की अध्ययन की पद्धति द्वारा अगर इन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा तो सामाजिक घटनाओं के पीछे काम करने वाले उन अपरिवर्तनीय निश्चित नियमों का पता लगाया जा सकता है, और फिर उसी के आधार पर सामाजिक घटनाओं के बारे में भी प्राकृतिक विज्ञान की तरह, नेचुरल साइंस की तरह कार्य कारण संबंधों की सार्वभौमिक व्याख्या की जा सकती है, सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है, भविष्यवाणी की जा सकती है। प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्र को बिल्कुल प्राकृतिक विज्ञान के समकक्ष विज्ञान बनाने पर बल दे रहे थे और समाजशास्त्रीय अध्ययन की पद्धति के रूप में प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण की पद्धति को प्रस्तावित कर रहे थे। दूसरी तरफ मर्टन के समय में प्रकारवाद समाजशास्त्रीय अध्ययन की पद्धति के रूप में, या कहो तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत के रूप में स्थापित हो गया था। यह प्रकारवाद प्रॉपर तरीके से एमिल दुर्खिम से शुरू हुआ था। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की तुलना शरीर से की तो हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों में भी यह दिखाई दिया, अगस्त कॉम्टे के विचारों में भी दिखाई दिया, लेकिन दुर्खिम ने जब समाजशास्त्रीय व्याख्या के नियम बताए तो दुर्खिम ने स्पष्ट कहा कि समाज सुई जेनरिस है, ये अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं है बल्कि अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा करता है और उसी को पूरा करने के लिए अपने अंगों को विकसित करता है और समाज के अंग समाज की उन जरूरतों को पूरा करते हैं और समाज के लिए प्रकारकारी भूमिका निभाते हैं। यानी हर घटना के उद्भव का कारण समाज है और हर घटना का समाज पर प्रभाव लाभकारी है, यह दुर्खिम के वैचारिक संरचना में इनहेरेंट था। इसलिए दुर्खिम जब सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के नियम बताता है, दुर्खिम जब सामाजिक घटनाओं के व्याख्या का नियम बताता है तो दो तरह के नियम बताता है, कारणात्मक व्याख्या और प्रकारात्मक व्याख्या। दुर्खिम कहता है कि सामाजिक तथ्य या सामाजिक घटनाओं के कारणों को अन्य सामाजिक तथ्यों में, सामाजिक घटनाओं में, समाज में ढूंढना चाहिए, सामाजिक घटनाओं के कारणों को समाज में ढूंढना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि हर घटना के उद्भव का कारण समाज होता है। समाज क्यों किसी घटना को उत्पन्न करता है? अपनी कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करते समय, किसी भी घटना का सामाजिक तथ्य, दुर्खिम कहते हैं सामाजिक तथ्य का समाज पर क्या प्रभाव है, इसका विश्लेषण करते समय उन प्रभावों को ध्यान में रखकर विश्लेषण करना चाहिए कि वो सामाजिक घटनाएं समाज की किन जरूरतों को पूरा करती है, किन आवश्यकताओं को पूरा करती है। क्यों भाई? क्योंकि समाज
किसी न किसी जरूरत को पूरा करने के लिए ही अपने अंगों को विकसित करते हैं। तो ये प्रकारवाद दुर्खिम के विचारों में दिखाई देता है। इस प्रकारवाद को मानव शास्त्र में एक प्रॉपर स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया, और इस प्रॉपर स्वरूप प्रदान करने में दो विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान था। एक था ब्राउन, रेडक्लिफ ब्राउन, आर ब्राउन, और दूसरा नाम था मेलिनोस्की। ये दोनों विद्वानों ने प्रत्यक्ष प्रकारवादी पद्धति का प्रयोग करके सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण किया, व्याख्या किया। ये दोनों मानव शास्त्री थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और मानव शास्त्र में आदिम समाज, जनजातीय समाज की कुछ घटनाओं के विश्लेषण में इन्होंने प्रकारवादी पद्धति को एक प्रॉपर स्वरूप प्रदान कर दिया। यहीं आकर के प्रकारवादी पद्धति प्रॉपर तरीके से विकसित हुई, प्रकारवादी सिद्धांत प्रॉपर तरीके से विकसित हुआ, और फिर इसको सोशियोलॉजी में लाने का श्रेय पार्सन्स को गया। पार्सन्स ने अपने एजिल मॉडल की संकल्पना में मानव समाज के बारे में प्रकारवादी सिद्धांत को बिल्कुल अस्पष्ट रूप से स्थापित किया, यह था उस समय की बौद्धिक पृष्ठभूमि। मर्टन ने इन्हीं के इस प्रकारवाद को संशोधित किया। मर्टन ने इनके प्रकारवाद को संशोधित किया। ये जो था मुख्य रूप से ऊपर वाला, ध्यान देना, पार्सन्स ने कुछ नया नहीं किया था, ये जो ऊपर वाला दोनों जो था, मर्टन ने क्या किया, इसको संशोधित किया। यही है मर्टन का प्रकारवाद, संशोधन। मर्टन द्वारा संशोधन, और संशोधन करके मर्टन ने इस प्रकारवाद के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत किया, जिसमें हम लोग लेटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन टॉपिक में दिया हुआ है। यही संशोधन में वो सब संकल्पनाओं का प्रयोग होगा। हम सीधे लेटेंट और मैनिफेस्ट न पढ़ा करके पूरे प्रकारवाद में मर्टन का क्या योगदान है वो बता रहे हैं बच्चा, क्योंकि प्रश्न पूरे से पूछा गया है, तो अगर थोड़ा करेंगे तो गड़बड़ होगा, नहीं काम चलेगा, प्रश्न नहीं पकड़ में आएगा। मर्टन द्वारा शास्त्रीय प्रकारवाद, ध्यान से देखो, इन्होंने जो प्रकारवाद को विकसित किया, एक क्लासिकल फंक्शनलिज्म कहलाता है, खास करके ब्राउन और मेलिनोस्की। पार्सन्स का प्रकारवाद तो उसके सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत में आता है, बट प्रॉपर प्रकारवादी अध्ययन की पद्धति को या प्रकारवाद को सिद्धांत के रूप में विकसित करने का श्रेय मानव शास्त्री विचार को ब्राउन और मेलिनोस्की को जाता है, और इनके प्रकारवादी विचारकों को पुराना वाला प्रकारवाद कहा गया, शास्त्रीय प्रकारवाद कहा गया, क्लासिकल फंक्शनलिज्म कहा गया। और इस क्लासिकल फंक्शनलिज्म में संशोधन किया मर्टन ने, तो क्या संशोधन किया, कैसे संशोधन किया, यह चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इसके बाद ये जो तीनों विचार है ये समाज के बारे में विचार है। ये जो विचार हम कह सकते हैं बच्चा समाजशास्त्र, समाजशास्त्रीय अध्ययन की पद्धति के बारे में मर्टन का विचार है। समाज के बारे में मर्टन ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया, संदर्भ समूह व्यवहार का सिद्धांत दिया, विसंगति के बारे में अपने विचार रखे, अनुरूपता और विचलन के बारे में अपने विचार रखे। संदर्भ समूह व्यवहार का मतलब होता है किसी के संदर्भ में व्यवहार, हम लोग कहते हैं ना, चर्चा करते हैं, किसी के संदर्भ में अपने विचारों को रखना, किसी के कंटेक्स्ट में अपने विचारों को रखना, यही है संदर्भ समूह व्यवहार। जब हम अपने दिमाग में किसी से तुलना करके अपने व्यवहारों को संपादित करते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, तो संदर्भ समूह व्यवहार है। मर्टन ने भी इस संदर्भ समूह व्यवहार के बारे में व्याख्या प्रस्तुत की, और इस व्याख्या के माध्यम से यह स्थापित किया कि कैसे समाज
कि समकालीन प्रतिस्पर्धा लोगों को एक दूसरे से तुलना के लिए प्रेरित कर रही है, और कैसे तुलना करके व्यक्ति अपनी स्थिति को ऊपर उठा रहा है या तमाम तरह के तनाव से जूझ रहा है। मार्टिन ने इस बात को स्थापित किया कि आज के इस उपभोक्तावादी समाज में, हम लोग भी इसी उपभोक्तावादी समाज में रह रहे हैं, हम कैसे डेली लाइफ में एक दूसरे से तुलना करते हैं और कैसे यह तुलना हमारे व्यवहारों को प्रभावित करती है, हमारी सोच को प्रभावित करती है। अक्सर आपको अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा कार चाहिए, अच्छा टीवी चाहिए, इस तरह के चाहत के उत्पन्न हुई तुलना, अगल बगल के लोगों में ये चीजें आ रही है, उनके पास कार आ गई, उनके पास और बड़ी कार आ गई, तुलना। और यही तुलना व्यक्ति को बेचैन करता है, और व्यक्ति तो किस तरीके से तुलना, संदर्भ समूह व्यवहार व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करता है, और कैसे व्यक्ति उससे प्रभावित होकर के अपने व्यवहारों को संचालित करता है, यही सारी बातें, अभी हम पूरा डिटेल नहीं समझा रहे, ये सारी बातें हम मर्टन के इस संदर्भ समूह व्यवहार सिद्धांत में पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से उन्होंने व्याख्या करी कि कैसे संदर्भ समूह व्यवहार व्यक्ति को सामाजिक गतिशीलता के लिए प्रेरित करता है या व्यक्ति को नियमों से हटकर व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। संदर्भ समूह व्यवहार सिद्धांत से मर्टन ने अनुरूपता और विचलन को जोड़ करके व्याख्यायित किया। दूसरा, विसंगति का विचार। विसंगति सुसंगति का उल्टा है। सुसंगत और विसंगत, ये बहुत सीधे शब्दों में, बहुत सहज शब्दों में समझो, बहुत जटिलता में धीरे धीरे उतरेंगे। स्वस्थ शरीर और अस्वस्थ शरीर, मेरी बात समझ में आ रही है? स्वस्थ शरीर मतलब जहां शरीर के सारे अंग प्रॉपरली काम कर रहे हैं, अस्वस्थ शरीर जहां शरीर के अंग प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। समाज के लिए हेल्दी शब्द ठीक नहीं रहेगा, तो समाज के लिए इन विद्वानों ने शब्द यूज किया सुसंगत और विसंगत। जो जनरल शब्द है समाज के लिए बच्चा, वो क्या है? सामाजिक संगठन और सामाजिक विघटन, व्यवस्था और अव्यवस्था। सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इन विद्वानों ने जिस शब्द को यूज किया वो शब्द था सुसंगति और विसंगति। मोटे तौर पे सुसंगति बढ़िया वाला समाज, सब कुछ प्रॉपर, समृद्ध समाज, और विसंगति गड़बड़ वाला समाज। पार्सन्स ने समाज में सुसंगति को देखा, समृद्ध अमेरिकी समाज। मर्टन ने सुसंगति और विसंगति दोनों को देखा, इसलिए मर्टन ने इस विसंगति पर भी अपना विचार दिया। विसंगति पर पहली बार विचार दुर्खीम ने दिया था, एनोमी की संकल्पना दुर्खीम ने दी थी, लेकिन मर्टन ने थोड़ा अलग संदर्भ में, अलग अर्थ में, मोटा मोटी मिलता जुलता अर्थ है दोनों के संदर्भ में, विसंगति निगेटिव है, समाज का नकारात्मक पक्ष है, लेकिन मर्टन ने थोड़ा सा इसको अलग संदर्भ में प्रस्तुत किया। और फिर समाज में लोग नियमों के अनुरूप व्यवहार अनुरूपता कहलाता है, सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है, कंफॉर्मिटी एंड डेविएंस। जब समाज के सदस्य या समाज के अंग समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करते हैं तो यह अनुरूपता कहलाता है, और जब नियमों से हटकर व्यवहार करते हैं तो यह विचलन कहलाता है, कंफॉर्मिटी एंड डेविएंस। सीधा सीधा है, मर्टन ने इस कंफॉर्मिटी एंड डेविएंस पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए। अब मर्टन समाज पर बल देने वाला है या व्यक्ति पर, बड़ा बताओ, हम बता चुके हैं मर्टन किधर की तरफ झुका है, समाज की तरफ झुका। तो अनुरूपता और विचलन का कारण मर्टन किस चीज को मानेगा? समाज को मानेगा, व्यक्ति को नहीं। उसके अनुसार व्यक्ति अगर गलत करता है तो इसके पीछे कारण समाज है। दुर्खिम कहते थे व्यक्ति सुसाइड करता है तो इसके पीछे कारण भी समाज है। आत्महत्या जैसी घटना जो देखने में वैयक्तिक क्रियाकलाप नजर आती है, स्वैच्छिक क्रिया का परिणाम नजर आती है, इसका कारण अंततः समाज होता है, दुर्खिम ने कहा था। मर्टन ने भी कहा कि अनुरूपता, नियमों के अनुरूप व्यवहार या नियमों से हटकर किया गया व्यवहार, इसका कारण समाज है, इसका कारण समाज है।
समाज की जो संरचनाएं हैं वो व्यक्ति को फोर्स करती है और व्यक्ति नियमों से हटकर व्यवहार करने लगता। ठीक है, तो एक आउटलाइन मिला होगा कि मोटा मोटी हम लोग मर्टन के इन्हीं विचारों को पढ़ेंगे। यही है मर्टन का विचार। मर्टन ने कहा कि अनुरूपता समाज का परिणाम है, अनुरूपता का कारण समाज है, व्यक्ति नियमों के अनुरूप व्यवहार करता है इसका कारण समाज है। कैसा समाज? सुसंगत समाज। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर सुसंगत समाज है जहां सब, तो व्यक्ति का व्यवहार नियमों के अनुरूप होगा। और मटर ने कहा कि विचलन का कारण भी समाज है, वो कैसा वाला समाज? विसंगत समाज, गड़बड़ समाज। अगर समाज गड़बड़ होगा तो व्यक्ति का व्यवहार भी गड़बड़ होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एक व्यक्ति बिहार से दिल्ली आता है, मोटरसाइकिल के साथ आता है, ट्रेन से मोटरसाइकिल भी अपना लेते आता है। बिहार में मोटरसाइकिल चलाता था लेकिन कभी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता था। वहां नॉर्मल ही ऐसे ही लोग चले जाते हैं, ऐसे ही लोग निकल जाते हैं। जब वो दिल्ली आया तो आदत वही थी, ट्रैफिक के नियमों को तोड़ा, घर पे फाइन आ गया 2000 का, रेड लाइट क्रॉस किया फिर हजार रुपए का फाइन आ गया, फिर 1000 रुपए का फाइन आ गया। अचानक देखा कि अरे बाप 6-7 हजार का फाइन आ गया, टेंशन में आ गया बेचारा। अब तो एकदम लाल बत्ती होता है तो गाड़ी रोक देता है और ग्रीन सिग्नल होने पर ही गाड़ी निकालता है। अरशद गौरिया दिल्ली में रहता था, दिल्ली मोटरसाइकिल चलाता था पिछले 10-15 सालों से। यहां हर जगह कैमरा लगा हुआ, इसलिए रेड लाइट पे खड़ा होता था, ग्रीन होने पर ही ये गाड़ी निकालता था, रेड लाइट या ट्रैफिक नियमों का पालन करता था। लेकिन अरशद गौरिया बिहार चला जाता है, अब ट्रांसफर हो जाता है, अब बिहार में इसको रहना है, मोटरसाइकिल लेकर जाता है, वहां भी ये ट्रैफिक नियमों का पालन करता है। जहां रेड लाइट होता है गाड़ी रोक देता है। पता चला 1.5 घंटे से गाड़ी रोके हुए क्योंकि बाकी सब जा रहे हैं, ये रुका हुआ वहीं, न प्रॉपर रेड लाइट काम कर रहा है, न लोग उसको फॉलो कर रहे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन के बाद यह भी ढल जाता है और यह भी रेड लाइट तोड़ के जाना शुरू कर देता है। अरशद गौरिया के इस विचलनकारी व्यवहार या दिल्ली में उसकी अनुरूपतावादी व्यवहार के पीछे का कारण क्या है? सामाजिक संरचना। मटन ने इस बात को समझाया। या जो पटना से आया था वहां पर नियमों से हटकर व्यवहार करता था, यहां नियमों के अनुरूप व्यवहार करने लगा, इसके पीछे का कारण क्या है? सामाजिक संरचना। तो कहीं ना कहीं सामाजिक सुसंगत समाज व्यक्ति को अनुरूपतावादी व्यवहार करने के लिए फोर्स करती है, यानी अनुरूपता का कारण भी सुसंगत समाज और विचलन का कारण विसंगतिपूर्ण समाज। विसंगत समाज यानी अनुरूपता और विचलन का कारण समाज। तो घुमा फिरा करके पार्सन्स मर्टन भी समाज की तरफ झुक जाते हैं, लेकिन कम से कम विचलन को भी ये स्वीकार करते हैं, निगेटिव चीजों को भी स्वीकार करते हैं। ये सारी चीजें थोड़ा सा अलग करती है इनको पीछे के प्रकारवादी विचारकों से। ठीक है, तो ये एक आउटलाइन हुआ सोशल स्ट्रक्चर। मैं बता दूंगा बच्चा थोड़ा सा, हम लोग अभी आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग आगे चलते हैं। और सबसे पहले हम मर्टन के मेथोडोलॉजी की चर्चा करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है मर्टन का पद्धति शास्त्र, मेथोडोलॉजी ऑफ मर्टन। इसमें अध्ययन की पद्धति, अध्ययन का परिप्रेक्ष्य, व्यक्ति और समाज के विवाद में कहां है, ये सारी चीजें, तीन चार चीजें चर्चा की जाती है। मर्टन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करता है, तो क्लियर है सोशियोलॉजिस्ट है तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रहा होगा, लेकिन उसके बाद वो क्या है? तो मर्टन एक प्रकारवादी विचारक है, हम चर्चा कर चुके हैं। मर्टन एक प्रत्यक्षवादी विचारक है, चर्चा कर चुके हैं। और मर्टन ने समाज पर बल दिया है, व्यक्ति और समाज के विवाद में वो समाज पर बल दिया है। क्लियर है?
अब यहां पर कुछ बेसिक वर्ड है, पहले चर्चा हम कर लें। ये ढेर सारे लोगों की तस्वीर है तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है बच्चा, ठीक है। और इन्हीं से समाज बना है। अगर हम इसको एक गोला ऐसे बना दें तो हम कहेंगे समाज। अब आप इमेजिनेशन में इसमें दो चीजें हैं, लोग हैं, आपके स्क्रीन पर ढेर सारे लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लोग हैं इसमें, 1200, 12000, 12 लाख लोग हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए, आप देख रहे हो, सब संबंधों के एक जाल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानव समाज की जब परिभाषा दी जाती है तो कुछ विचारक कहते हैं समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैं कई बार और पेज की यही परिभाषा है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो कुछ लोग कहते हैं कि समाज व्यक्तियों द्वारा निर्मित संबंधों के जाल से निर्मित एक बृहद समूह है। तो कुछ लोगों ने कहा बृहद समूह है जिसमें हम पैदा लेते हैं, जिसमें हम अपनी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं और उसी में मर जाते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि समाज ढेर सारे छोटे छोटे समूहों का संग्रह है। परिवार एक समूह है, शिक्षण संस्थान एक समूह है, कॉलेज समूह, स्कूल समूह, कोचिंग समूह, औद्योगिक संगठन समूह, ऑफिस समूह, राजनीतिक दल समूह, समाज में ढेर सारे समूह होते हैं। व्यक्ति अपनी अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए इन अलग अलग समूहों से जुड़ा होता है और इसी समूहों के संग्रह को हम समाज कहते हैं, जिसमें व्यक्ति पैदा लेता है, भिन्न भिन्न समूहों से संबद्ध होकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उसी में मर जाता है। इन छोटे छोटे समूहों के संग्रह को हम समाज कहते हैं। अब यहां पर दो संकल्पनाएं हम यूज कर रहे हैं बच्चा, समूह। अब आप कल्पना में इसको देखो, इस मैं इधर हो जाता हूं तो आपको साफ तौर पर दिखाई देगा, आप इसको देखो और आप इमेजिनेशन में भूल जाओ इनके मध्य के जो संबंध हमने बनाए हैं। अब कल्पना में सोचो कि संबंध नहीं है तो क्या दिख रहा है, ढेर सारे लोग, लोगों का संग्रह, राइट। अब जब लोग दिखेंगे तो लगेगा कि ये तो मूर्त है। बहुत सारे लोगों ने समाज को मूर्त समूह के रूप में देखा है,
मैकाइवर पेज कहते हैं समाज अमूर्त होता है, तो जॉनसन कहते हैं समाज मूर्त होता है। देखने का नजरिया है। तो लगेगा कि समाज एक समूह है, मूर्त है, लोगों का एक समूह है। अब इमेजिनेशन में थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ इसमें जो गोला गोला आदमी दिखाई दे रहा, हटा दो, समझो पॉइंट है। कल्पना में उस आदमी के जगह पर पॉइंट बना दो तो आप देखोगे कि हर पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक जाल। तो यहां क्या फोकस्ड हो गया? संबंधों का जाल। यहां आदमी नहीं दिखाई दे रहा, संबंध दिखाई दे रहे, संरचना, ढांचा, ढांचा। संरचना का मतलब होता है संबंधों का समग्र। जब हम इस संबंधों के समग्र पर विचार करते हैं तो ये संरचना है, ढांचा है। संरचना संबंधों का समग्र। उसी को हम संरचना कहते हैं। कुछ विद्वानों ने इन संबंधों के समग्र पर फोकस्ड होकर के विश्लेषण किया। आपको हम एक और एग्जांपल देते हैं, ये आपने देखा होगा। ये किसी पत्ता है पीपल का, और आपने देखा होगा पीपल के पत्ता में ऐसे ऐसे रेशा होता है। अब जो भी ग्रीन वाला पार्ट है उसको बाहर करो और केवल रेशा को देखोगे तो लगेगा वही संरचना है, वो ढांचा। इसमें ग्रीन को फिलअप कर दो तो पीपल का पत्ता बन गया। उसी को हम संरचना कहते हैं, उसी को हम ढांचा कहते हैं। तीसरा एग्जांपल, मेरे ऊपर आप तेजाब डाल दो, मांस गल जाएगा, चेहरा गल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बचेगा क्या? एक खोपड़ी बचेगा और हड्डियों का एक ढांचा बचेगा, हड्डियों का एक ढांचा बचेगा। यही है ढांचा, यही है संरचना। लेकिन इस संरचना में एक विशेष चीज है, विशेष चीज है कि इस संरचना में ढेर सारे अंग हैं, हाथ है, पैर है, सिर है, खोपड़ी है, सब। इसको हम कहते हैं संरचनात्मक अंग, स्ट्रक्चरल एलिमेंट, स्ट्रक्चरल पार्ट। किसी भी समग्र को बनाने वाले, ढांचा को बनाने वाले अंग, स्ट्रक्चरल पार्ट, स्ट्रक्चरल एलिमेंट। और इन्हीं अंगों के मध्य के संबंधों के समग्र को हम कहते हैं ढांचा, संरचना। इन स्ट्रक्चरल हड्डी, पैर, हाथ, नाक, खोपड़ी जुड़ा हुआ है, जो इससे ढांचा बनता है, शरीर का ढांचा, शरीर का ढांचा, शरीर का ढांचा, शरीर की संरचना। अंगों का जोड़ नहीं है, ये अंगों का जोड़ नहीं है। अगर मान लो कि कोई आता है हमारे सारे पार्ट्स को निकाल देता है और फिर इन सारे अंगों को जोड़ देता है, सिर को नीचे लटका देता है, पैर को ऊपर कर देता है, हाथ को नीचे लटका देता है और सारे को जोड़ देगा, कहेगा ये कौन है? आप नहीं समझ पाओगे, किसी जानवर का ढांचा लगता है, पहचान नहीं पाओगे। मानव शरीर का ढांचा आप तभी उसको कहोगे जब सिर ऊपर होगा, हाथ जैसे है वैसे होगा, पैर नीचे होगा, यानी सारे अंग, सारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, सारे संरचनात्मक अंग, शरीर के सारे निर्मायक अंग, निर्मित करने वाले अंग, जब अपने अपने स्थान पर जुड़कर, हाथ अपने अपने स्थान पर जुड़कर, पैर अपने अपने स्थान पर जुड़कर, शरीर हाथ नहीं है, शरीर पैर नहीं है, शरीर खोपड़ी नहीं है, शरीर कमर और पेट और छाती नहीं है, शरीर इन सभी अंगों के व्यवस्थित जोड़ से, प्रतिमानित जोड़ से,
नियमों के तहत जोड़ से, सिर नियमों के तहत, इसका एक अपना प्रॉपर नियम है कि सिर कहां रहेगा, हाथ कहां रहेगा, पैर कहां रहेगा, कमर कहां रहेगा, पेट कहां रहेगा। इन अंगों के प्रतिमानित जोड़ से जो समग्र एक नया चीज मानव शरीर का ढांचा निर्मित होता है, हम उसी को संरचना कहते हैं। तो संरचना या सामाजिक संरचना का मतलब होता है कि विभिन्न अंगों के प्रतिमानित संबंधों का समग्र, जो एक नई चीज को दर्शाता है, एक नए अंग को दर्शाता है, नए समग्र को दर्शाता है। और इसके जो अंग है वो निर्माणक अंग है, हमेशा ध्यान में रखना। इसलिए अक्सर आता है स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ फैमिली, परिवार के संरचनात्मक अंग कौन कौन है, तो पति पत्नी, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, ये पांच, दादा दादी पोता पोती भी हो जाएगा, बट ए पति पत्नी माता पिता पुत्र पुत्री छह हो गए और भाई बहन आठ हो गए। ये आठ परिस्थिति और इनके मध्य के संबंध, पति पत्नी के मध्य संबंध का क्या रूप होता है, भाई बहन के संबंधों का जो समग्र है, ये परिवार का ढांचा है। और ये लोग इस परिवार के स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, स्ट्रक्चरल पार्ट है। पत्नी परिवार का स्ट्रक्चरल पार्ट है, पति परिवार का स्ट्रक्चरल पार्ट है। कुर्सी का ढांचा, कुर्सी दिमाग में है, आगे का दो पैर, नीचे का दो पैर, हाथ रखने वाला, बैठने वाला, पीछे थोड़ा सा ऐसे होने वाला, नीचे का चारों पैर निकाल दो, ऊपर का रखने वाला निकाल दो, हाथ वाला निकाल दो और वो पीछे वाला निकाल दो, सब अलग अलग हो गया। ये सारे अलग अलग कुर्सी के स्ट्रक्चरल पार्ट है। ये सब प्रॉपर तरीके से जब जुड़ेंगे तब कुर्सी का ढांचा तैयार होगा, एक नई चीज। तो जब ढेर सारे अंग प्रतिमानित तरीके से जुड़ते हैं तो एक नई चीज को निर्मित करते हैं, और इन ढेर सारे अंगों के इस प्रतिमानित संबंधों के समग्र को हम, संबंधों के समग्र को हम संरचना कहते हैं, संरचना कहते हैं, संरचना कहते हैं। समाज वैज्ञानिकों ने कहा है कि शरीर की तरह समाज भी कई अंगों से मिलकर बना होता है। शरीर की तरह मानव समाज के अंग भी प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, नियमों के तहत एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हर अंग का दूसरे अंग के साथ एक प्रॉपर नियमित प्रतिमानित जुड़ाव होता है, और मानव समाज के इन्हीं अंगों के प्रतिमानित जुड़ाव को, प्रतिमानित संबंधों के स्वरूप को हम सामाजिक संरचना कहते हैं, सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें विद्यमान जो सारे अंगों के समग्र को हम समूह कहते हैं, समूह कहते हैं, अंगों के समग्र को हम समूह कहते हैं। और इस मानव समाज के ये अंगों के वो कार्य, वो कार्य, वो कार्य जो समग्र समाज को बनाए रखने के लिए किया जाता है, उसको हम प्रकार्य कहते हैं, उसको हम फंक्शन कहते हैं, बिल्कुल शरीर की तरह। तो जब से मानव समाज की तुलना शरीर से की जाने लगी, तभी से सामाजिक संरचना और प्रकार्य दो शब्द बहुत तेजी से प्रचलन में आए। सामाजिक संरचना और प्रकार्य अंग द्वारा समग्र के लिए किया गया प्रकार्य, यही है सामाजिक संरचना और यही है समाज, समूह, प्रकार्य। तो आगे हम लोग बीच बीच में चर्चा आएगी तो हम लोग करते रहेंगे, यही है। तो आप कह सकते हो कि मर्टन का जो पर्सपेक्टिव था पार्सन्स के बारे में, हम लोगों ने क्या कहा था, प्रकार्यवादी था। अब जो प्रकार्यवादी है ऑलमोस्ट संरचनात्मक प्रकार्यवादी, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत अंतर है, उतना गहराई में अभी मत जाओ आप। रेडक्लिफ ब्राउन प्रॉपरली संरचनात्मक प्रकार्यवादी रहा, पार्सन्स भी संरचनात्मक प्रकार्यवादी, क्योंकि जो प्रकार्यवादी है उस संरचना के संदर्भ में ही प्रकार्यवादी व्याख्या करता है, इसलिए दोनों कई बार साथ साथ चलता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म या फंक्शनलिज्म, संरचनात्मक प्रकार्यवाद या प्रकार्यवाद, संरचनात्मक प्रकार्यवाद या प्रकार्यवाद। तो प्रकार्यवादी विचारक या संरचनात्मक प्रकार्यवादी विचारक, तो चलेगा। तो ये चर्चाएं आएगी बीच बीच में, तो कभी हम लोग इसको और स्पष्ट करेंगे समझ के लेवल पर। पहले एक बार थिंकर हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चा।
तो पार्सन्स प्रकार्यवादी विचारक था, प्रत्यक्षवादी विचारक था और समाज पर इसने बल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट के मर्टन पारिभाषिक शब्दावली, हम लोग मर्टन के विचारों के अनुसार, विचारों के अनुसार कुछ शब्दावलियों की चर्चा करते हैं जिससे मर्टन का एक अप्रोच क्लियर होगा, मर्टन को समझने में हम लोगों को आसानी होगी। पहला क्लास हमारा इन्हीं दोनों चीजों पर होता है तो उसका सेकेंड पार्ट हम आपको शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मनुष्य, रॉबर्ट के मर्टन पारिभाषिक शब्दावली। सबसे पहले मनुष्य, मर्टन के शब्दों में मनुष्य समाज का उत्पाद, याद करो मनुष्य समाज का उत्पाद। दुर्खिम के शब्दों में मनुष्य समाज का उत्पाद। पार्सन्स के शब्दों में मनुष्य समाज का उत्पाद। मैक्स वेबर के शब्दों में मनुष्य समाज का उत्पादक, समाज का उत्पादक, एक विवेकशील प्राणी और समाज का उत्पादक। मनुष्य समाज का निर्माता होता है, लेकिन इन लोगों के संदर्भों में हमने कहा ना कि समाज पर बल है, ये समाज को प्रमुखता देते हैं, इसलिए इनके परिभाषा में भी मनुष्य कहीं ना कहीं समाज का उत्पाद है, समाज ही मनुष्य का निर्माता है। इसीलिए तो इन्होंने कहा कि अपराध का विचलन का कारण समाज है, अनुरूपता का कारण समाज है, कहीं ना कहीं उनके विचारों में चीज दिखाई देता। जब मर्टन महोदय विश्लेषण कर रहे थे उस समय अपराध पर, क्राइम पर कई सिद्धांत प्रचलन में थे, मर्टन ने कहा नहीं इसका कारण समाज है, तो इन्होंने अपने सभी अध्ययनों में समाज को सर्वोपरि रखा, समाज को महत्व प्रदान किया और मनुष्य को समाज के उत्पाद के रूप में देखा। यह बात अलग है कि दुर्खिम अधिक बाकी कम, लेकिन इनका रुझान भी समाज की तरफ है। इनके अनुसार सोसाइटी, समाज क्लियर है बच्चा, समाज, समाज क्या है तो विभिन्न अंगों से जुड़ी एक व्यवस्था, कहीं ना कहीं ये भी व्यवस्था की तरफ झुके हुए हैं, कहीं ना कहीं ये भी व्यवस्था की तरफ झुके हुए हैं। यद्यपि ये पार्सन्स को संशोधित करते हैं, पार्सन्स के शिष्य थे, पार्सन्स भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से थे और ये भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में रहे, पार्सन्स ने इनको पढ़ाया, कई संदर्भों में इन्होंने पार्सन्स की आलोचना की, लेकिन कई संदर्भों में इन्होंने पार्सन्स के विचारों को स्वीकार भी किया। तो इनका रुझान भी है कि ये भी समाज विभिन्न अंगों से जुड़ी एक व्यवस्था है। ठीक है कि सामाजिक व्यवस्था में अनुरूपता भी है और विचलन भी है, विचलन को भी उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन वो कहते हैं कि विचलन का कारण भी समाज है। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रकार्यवाद। व्यक्ति और समाज के बारे में मर्टन के विचारों के बाद हम आ जाते हैं प्रकार्यवाद पर। प्रकार्यवाद का एक जनरल डिफिनेशन है, चूंकि मर्टन का एक बहुत बड़ा विचार है इस प्रकार्यवाद को संशोधित करने में। प्रकार्यवाद सोशल साइंस की, केवल सोसाइटी की नहीं, सोशियोलॉजी की नहीं, सोशल साइंस की एक सबसे प्रचलित संकल्पना। प्रकार्यवाद एक सिद्धांत है, एक विचारधारा है, कुछ लोगों का विचार है मानव समाज के बारे में, कुछ लोगों का विचार है मानव समाज के बारे में। और जब इसी विचार को केंद्र में रख करके, इसी सिद्धांत को केंद्र में रख करके जब हम मानव समाज की किसी घटना का विश्लेषण करते हैं तो हमारे इस विश्लेषण के नजरिए को आप कहते हो प्रकार्यवादी परिपेक्ष, प्रकार्यवादी दृष्टिकोण, प्रकार्यवादी नजरिया। लेकिन मानव समाज के बारे में एक विशेष प्रकार की सोच, विशेष प्रकार की विचारधारा, विशेष प्रकार की मान्यता को हम प्रकार्यवाद कहते हैं। मानव समाज के बारे में क्या विचार है भाई प्रकार्यवादियों का, या प्रकार्यवाद जिसको हम कहते हैं, तो प्रकार्यवाद या प्रकार्यवादी सिद्धांत का उद्भव तब शुरू होता है जब लोगों ने समाज की तुलना शरीर से करनी शुरू कर दी, समाज की तुलना शरीर से, जीवित शरीर से, समाज भी शरीर की तरह हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों में दिखाई देता है, सोसाइटी एज ए ऑर्गेनिज्म, फिर कॉम्टे और फिर प्रॉपर तरीके से दुर्खिम। इसलिए डिफिनेशन में पहला लाइन ही है सावयवी सादृश्यता पर आधारित एक सिद्धांत,
सावयवी सादृश्यता, शरीर जैसा समाज, समाज बिल्कुल शरीर की तरह है। जिस तरह शरीर कई अंगों से मिलकर बना होता है, समाज भी कई अंगों से मिलकर बना होता है। जिस तरह से शरीर के सभी अंग प्रॉपरली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, समाज के भी सभी अंग प्रॉपरली एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिस तरह से शरीर के इन अंगों का विकास स्वयं शरीर व्यवस्था द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। प्रारंभ में यह शरीर पेट के अंदर मांस के लोथड़े के रूप में होता है, लेकिन धीरे धीरे उद्विकास के साथ पेट के अंदर इस शरीर की जरूरतों को पूरा करने वाले अंगों को अलग अलग पृथक अंग विकसित होते चले जाते हैं। इस शरीर का एक स्वरूप बनता है, अलग अलग ढेर सारे अंग विकसित हो जाते हैं, लीवर, बोन मैरो, फेफड़ा, हाथ, नाक, पैर, सब कुछ। यानी शरीर के इन अंगों का विकास स्वयं शरीर व्यवस्था के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। उसी तरह से सामाजिक व्यवस्था, समाज के भी अंगों का विकास, समाज के इन अंगों का विकास, समाज कई अंगों से मिलकर बना होता, इन अंगों का विकास स्वयं समाज के द्वारा, स्वयं समाज के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। पहले समाज 10-20 लोगों के झुंड के रूप में था, बंदर से जब हम मानव बने तो 10-20 लोगों के झुंड के रूप में था। सेक्स की जरूरत झुंड में ही पूरा कर लिया जाता था, यौन कम्युनिज्म की अवस्था, भोजन झुंड में ही मिलकर उत्पादित कर लिया जाता था, फल फूल तोड़ दिया जाता था, मनोरंजन झुंड में ही हो जाता था, ज्ञान झुंड में भी हो जाता था, लॉ एंड ऑर्डर का काम झुंड में ही हो जाता था। यानी इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमेशा ध्यान रखो कि झुंड के जिंदा रहने के लिए, झुंड के रूप में समाज को जिंदा रहने के लिए सदस्यों का भोजन जरूरी है, न्यूनतम भोजन, वस्त्रावास, आर्थिक जरूरतों को पूरा करना जरूरी है। एक झुंड के रूप में समाज को बने रहने के लिए नियमों के अनुसार सब कुछ काम करे, लोग लॉ एंड ऑर्डर बना रहे जरूरी है। एक झुंड के रूप में समाज के बने रखने के लिए सेक्स जरूरी है, तभी बाल बच्चा पैदा होगा, तभी समाज की कंटिन्यूटी आगे बढ़ेगी। इस झुंड में समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों का पालन पोषण, समाजीकरण जरूरी है, तभी लोग जिंदा रहेंगे और बड़े होंगे, नियमों को सीखेंगे। समाज के रूप में झुंड बने रहने के लिए ये सभी जरूरतें पूरी होनी जरूरी है, और समाज भी इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धीरे धीरे विकास के साथ बिल्कुल शरीर की तरह फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, धीरे धीरे अलग अलग अंगों को विकसित करता चला गया। इस तरह से मानव समाज के सभी अंग विकसित हुए, किसके द्वारा? स्वयं समाज के द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। समाज के सभी अंगों को स्वयं समाज ने विकसित किया, समाज के सभी अंगों के उद्भव का कारण स्वयं समाज है। और जिस तरह से शरीर व्यवस्था के सभी अंग शरीर व्यवस्था के द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किए जाते हैं, और शरीर के सभी अंग अपने अपने प्रकारियों द्वारा, अपने अपने फंक्शन द्वारा, लीवर का कार्य नहीं, वर्क नहीं, वर्क ऑफ लीवर नहीं, फंक्शन ऑफ लीवर, वर्क ऑफ लंग्स नहीं, फंक्शन ऑफ लंग्स, वर्क ऑफ बोन मैरो नहीं, फंक्शन ऑफ बोन मैरो। फंक्शन शब्द का इस्तेमाल इसी बॉडी सिस्टम के संदर्भ में किया जाता है, पहली बार किया गया फंक्शन ऑफ लीवर, यानी फंक्शन शरीर के किसी अंग का वो कार्य है जो शरीर व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए किया जाता है, बनाए रखने के लिए किया जाता है। शरीर व्यवस्था के किसी अंग का वो कार्य जो शरीर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाता है, शरीर व्यवस्था के किसी अंग का वो कार्य जिसको करने के लिए शरीर व्यवस्था ने उस अंग को विकसित किया, लीवर को शरीर व्यवस्था ने विकसित किया, बोन मैरो को शरीर ने विकसित किया, लंग्स को शरीर व्यवस्था ने विकसित किया अपनी विशिष्ट कार्यों को, जरूरतों को पूरा करने के लिए। और शरीर व्यवस्था के अंग के रूप में ये सभी अपने अपने कार्यों द्वारा, अपने अपने फंक्शन द्वारा शरीर व्यवस्था की उन जरूरतों को पूरा करते हैं, और शरीर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सकारात्मक भूमिका। अभी अंगों का जो परिणाम हुआ, क्या हुआ? सकारात्मक 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 भूमिका निभाते हैं, प्रकार्यकारी भूमिका निभाते हैं, लाभकारी भूमिका निभाते हैं। उसी तरह से
समाज के अंगों का विकास भी स्वयं समाज के द्वारा किया गया है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। और समाज के भी अंग अपने अपने फंक्शन द्वारा समाज की उन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और समाज के लिए प्रकार्यकारी भूमिका निभाते हैं, समाज के लिए लाभकारी भूमिका निभाते हैं। मतलब शरीर व्यवस्था के सभी अंगों के उद्भव का कारण कौन? स्वयं बॉडी सिस्टम। और शरीर व्यवस्था के अंगों का परिणाम क्या? फंक्शनल प्रकार्यकारी बॉडी सिस्टम को बनाए रखने में। सामाजिक व्यवस्था के अंगों के उद्भव का कारण कौन? स्वयं समाज। समाज में जो भी है उसके उद्भव का कारण स्वयं समाज है। और समाज में जो भी अंग है समाज का, वो समाज के लिए प्रकार्यकारी होता है, समाज की किसी न किसी आवश्यकता को पूरा करता है और समाज के लिए प्रकार्यकारी भूमिका निभाता है। मानव समाज के बारे में ये जो धारणा, ये जो विचार है, कुछ विद्वानों ने दिया, दुर्खीम, मेलिनोस्की, ब्राउन, पार्सन्स, सोशियोलॉजी में पार्सन्स ने इसको एजिल मॉडल के तहत पूरा समझाया मानव समाज के बारे में, इस बात को मानव समाज के बारे में। अब कई लोगों ने इस बात को स्वीकार किया, अब ये विचार केवल दुर्खीम का या पार्सन्स का, ब्राउन या मेलिनोस्की का नहीं रह गया, ये विचार एक बहुत बड़े लोगों का, समूह का बन गया, ये विचारधारा बन गया जिसको कहा जाता है प्रकार्यवाद। तो प्रकार्यवाद एक विचारधारा है, मतलब समूह का विचार है, प्रकार्यवाद एक सिद्धांत है, ये सावयवी सादृश्यता पर आधारित एक सिद्धांत है जिसकी मान्यता है कि समाज एक ऐसी संगठित एवं आत्मनुरक्षित, अपनी रक्षा स्वयं करने वाला व्यवस्था है जिसमें विरोधी परिवेश की स्थिति में भी संतुलन बना रहता है। समाज एक ऐसी संगठित और आत्मनुरक्षित व्यवस्था है जो अपनी रक्षा स्वयं करता है, अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा करता है और इसी के लिए अपने विभिन्न अंगों को विकसित करता है। और ये अंग अपने अपने प्रकारों द्वारा समाज की उन जरूरतों को पूरा करते हैं और समाज में एकता और संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, संतुलन बना रहता है। इसी सिद्धांत को प्रकार्यवाद की संज्ञा दी जाती है। यही है प्रकार्यवाद। यानी प्रकार्यवाद हर अंग को समाज के एक अंग के रूप में देखता है, किसी भी सामाजिक घटना को। अल्ट्रासाउंड उस समाज के अंग के रूप में उसका विश्लेषण करेगा सोशियोलॉजी, प्रकार्यवादी भी, और वो देखेगा कि समाज के लिए उसका क्या सकारात्मक योगदान है, क्योंकि वो मानकर चलता है कि अल्ट्रासाउंड का मशीन कहीं ना कहीं किसी न किसी समाज की आवश्यकताओं के संदर्भ में ही इसको उत्पन्न किया गया। या फिर अगर हम कहें तो क्रेच किंडरगार्टन के उद्भव का कारण समाज है, प्रकार्यवादी चश्मे से अगर देखोगे तो। जब समाज की कुछ जरूरतें, पति पत्नी दोनों नौकरी करने लगे तो बच्चों के पालन पोषण की समस्या उत्पन्न हुई। इस समस्या या जरूरत को पूरा करने के लिए समाज ने को लगा कि नहीं, अब एक और कोई संस्था होनी चाहिए। अब बच्चों के पालन पोषण का काम केवल अकेले परिवार के बस में नहीं है। जब तक पुरुष बाहर का काम करता था, महिलाएं घर का काम करती थी, तब बच्चों का पालन पोषण परिवार की जिम्मेदारी होती थी, परिवार प्रॉपर तरीके से इस काम को, इस जिम्मेदारी को निर्वहन करता था। लेकिन जहां पति पत्नी दोनों नौकरी करते वहां अब बच्चों का पालन पोषण प्रॉपर तरीके से परिवार में नहीं हो सकता है। इसके लिए कुछ और संस्थाओं की जरूरत होनी चाहिए, कुछ और अंगों को जरूरत होनी चाहिए। फलतः समाज ने बच्चों के इस पालन पोषण, समाजीकरण जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने एक नए अंग के रूप में क्रेच, किंडरगार्टन, नर्सरी जैसी संस्थाओं को जन्म दिया। इनका उद्भव का कारण समाज। और ये करते क्या है? तो बच्चों का, जिनके लिए इनको जन्म दिया गया। और इस तरह से सभी समाज के लिए लाभकारी होते हैं। ये है प्रकार्यवाद। अब मान लो कि तुम इस बात को स्वीकार करते हो और तुमको कहा जाता है कि कोचिंग के बारे में कुछ अध्ययन करो, लिखो, तो अपने कोचिंग में यही लिखोगे
कि कोचिंग के उद्भव का कारण कैसे समाज है, और यही लिखोगे कि कोचिंग समाज की किन किन जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करता है, या कोचिंग समाज के लिए क्या क्या लाभ प्रदान करता है, कैसे लाभकारी है। लाभों पे चर्चा फोकस होगा तुम्हारे विश्लेषण में। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य, नजरिया क्या है, द्वंद्ववादी या प्रकार्यवादी। प्रकार्यवादी। तो अब समझ में आ गया होगा प्रकार्यवाद क्या है, एक सिद्धांत के रूप में, एक विचारधारा के रूप में इसकी क्या मान्यता है मानव समाज के बारे में, और प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य क्या है, प्रकार्यात्मक नजरिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है। यही है प्रकार्यवाद। अगली शब्दावली है, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा समय और समझा दूं, यहीं पर आगे भी समझाना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा डिटेल में हम अगले टॉपिक में ही जाएंगे, तो हम इसको और आगे बढ़ जाते हैं बच्चा, ठीक है। प्रकार, जब हम प्रकार्यवाद की बात किए तो एक शब्द आ गया फंक्शन। फंक्शन मर्टन के अनुसार सामान्य शब्दों में किसी भी अंग का परिणाम, किसी अंग का, बॉडी सिस्टम को ध्यान में रखो, लीवर का वो कार्य जो शरीर को बनाए रखने के लिए किया जाता है प्रकार्य कहलाता है। सामान्य शब्दों में भी समाज के किसी अंग का वो कार्य जो समाज को बनाए रखने के लिए किया जाता है प्रकार्य कहलाता है। प्रकार्य कहलाता है। अभी तक प्रकार्यवाद यहीं तक था, अब यहां से थोड़ा समय आपको कुछ बताता हूं। इस प्रकार्यवाद को दुर्खिम ने विकसित किया, ब्राउन ने विकसित किया, मेलिनोस्की ने विकसित किया, पार्सन्स ने सोशियोलॉजी में उतारा, जो यही मान्यता था। और मार्क्सवाद क्या मानता था, मानव समाज के केंद्र में द्वंद्व है, संघर्ष है, टैस टैस टैस। जब मर्टन आया तो उसने कहा कि एक समाजशास्त्री को, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, एक समाजशास्त्री को सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है। एक सोशियोलॉजिस्ट को सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करना चाहिए। मतलब घटना का समाज पर क्या प्रभाव है और समाज का उस घटना पर क्या प्रभाव है, इसका विश्लेषण करना चाहिए। घटना का समाज पर क्या प्रभाव है, इसका विश्लेषण करते समय सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभावों का, दोनों तरह के परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए, दोनों तरह के परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए। मर्टन ने कहा, और यहीं पर उसने अपने शास्त्रीय प्रकार्यवाद किया में संशोधन किया। उसने कहा कि अभी तक जो प्रकार्यवादी, सो कॉल्ड जो प्रकार्यवादी विचारक है, ये पूर्वाग्रही है, ये पहले से ही ये मानकर चलते हैं कि मानव समाज विभिन्न अंगों से मिलकर बना एक व्यवस्था है, जहां अंगों का विकास स्वयं समाज ने किया है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया है, और ये अंग अपने अपने प्रकारियों द्वारा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और समाज के लिए प्रकार्यकारी भूमिका निभाते हैं। ये विद्वान पहले से ही ये मानकर चलते, इसलिए जब ये धर्म का विश्लेषण करते हैं तो ये ढूंढने में लग जाते हैं कि धर्म किन लाभों को जन्म देता है। दुर्खिम में कमी है। धर्म समाज की किन आवश्यकताओं को पूरा करता है, धर्म समाज के लिए कैसे प्रकार्यकारी है, ये पहले से ही पूर्वाग्रही है। मर्टन कहते हैं कि समाजशास्त्री को पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए।
लेकिन ये प्रकारवादी तो पूर्वाग्रही है, एक विशेष विचारधारा से ग्रसित है, एक विशेष आइडियोलॉजी से इंफ्लुएंस है। वो आइडियोलॉजी प्रकारवाद, प्रकारवाद एक विचारधारा है जो मानव समाज के बारे में एक विशेष विचार रखता है। ये मानव समाज के बारे में बिल्कुल सही विचार हो ये जरूरी नहीं है, ये विशेष विचार रखता है। समाज कई अंगों से मिलकर बना है, इन अंगों का विकास स्वयं समाज के द्वारा टेस्ट 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 टेस, ये विशेष विचार प्रकारवाद कहलाता है। बट एक समाजशास्त्री को इस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। या फिर मार्क्सवाद भी एक विचारधारा है जो पहले ही मानकर चलता है कि समाज की प्रत्येक घटना में द्वंद्व इनहेरेंट होता है, समाज की प्रत्येक घटना में द्वंद्व अंतर विरोध कमियां गड़बड़ियां विद्यमान होती है, यही परिवर्तन का कारण होती है। और जब कोई इस मार्क्सवादी विचारधारा से पूर्वाग्रही होकर के सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करता है तो सामाजिक घटनाओं में क्या क्या कमियां और गड़बड़ियां हैं उसी पर केंद्रित हो जाता है और अपने पूरे 100 पेज में केवल घटना की कमियों की वो चर्चा कर देता है। घटना के समाज पर पड़ने वाले केवल नकारात्मक परिणामों की चर्चा करता है और उस सकारात्मक परिणामों को छोड़ देता है। या प्रकारवादी केवल सकारात्मक परिणामों की चर्चा करते हैं और नकारात्मक परिणामों को छोड़ देते हैं। ये दोनों ही मार्क्सवाद और प्रकारवाद विचारधारा है। मानव समाज के बारे में दो अलग अलग विशेष विचार है। एक समाजशास्त्री को सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय सामाजिक घटनाओं का समाज पर परिणामों का केवल और केवल परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए, प्रकारों का नहीं, परिणामों का। घटना का समाज पर क्या प्रभाव है, क्या परिणाम है, कंसिक्वेंसेस ऑफ फेनोमेना, कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्ट ऑफ सोसाइटी ऑन सोसाइटी। सामाजिक घटना का या समाज के किसी अंग का समाज पर क्या कंसिक्वेंसेस है, परिणाम क्या है, परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए। परिणाम लाभकारी हो सकता है, प्रकारकारी हो सकता है, परिणाम हानिकारक हो सकता है, मतलब दुष्प्रकारकारी हो सकता है, परिणाम लाभकारी भी हो सकता है, परिणाम हानिकारक भी हो सकता है, लाभकारी हानिकारक दोनों हो सकता है। लाभकारी के लिए प्रकार शब्द और हानिकारक के लिए दुष्प्रकार शब्द। परिणाम लाभकारी भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है, परिणाम प्रकट भी हो सकता है और परिणाम कुछ छुपा हुआ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने कोई काम किया उससे वही उद्देश्य पूरा होगा। सिनेमा का प्रकट परिणाम क्या है? सिनेमा का प्रकट परिणाम लोगों का मनोरंजन प्रदान करना है। और सिनेमा का निर्माण क्यों किया जाता है? सिनेमा का निर्माण मनोरंजन के लिए किया जाता है, सिनेमा का निर्माण मनोरंजन के लिए किया जाता है। लेकिन एक फिल्म आई गदर और अभिषेक कुमार ने उस फिल्म को देखा, देखने के बाद उसके अंदर देश प्रेम का भावना एकदम उबलने लगा और सन्नी देओल को देख करके तो एकदम बेचैन हो गया, यूपीएससी की तैयारी छोड़ी, सीडीएस का एग्जाम दिया उसने और सीडीएस का एग्जाम देकर के सेना में बहाल हुआ और सेना में बहाल होकर के पाकिस्तान जाके धूम मचा दिया। ध्यान दो, सिनेमा बनाने वाले ने कभी नहीं सोचा था कि अभिषेक कुमार यही करेगा। सिनेमा बनाता है मनोरंजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और सिनेमा का कार्य क्या है? एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी सिनेमा समाज के लोगों को मनोरंजन प्रदान करता है। सीधी बात है, मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिनेमा को समाज ने उत्पन्न किया, मनोरंजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समाज ने उत्पन्न किया। सोचो पहले वाली बातें, मर्टन कंटिन्यू करता है, लेकिन सिनेमा
समाज के लोगों को मनोरंजन तो प्रदान करता ही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ परिणाम उत्पन्न करता है। इन लोगों में देशभक्ति की भावना को विकसित किया अभिषेक कुमार में, इन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम कर दिया। सिनेमा देखकर एलओसी कारगिल जो भी, जबकि वहीं पर अरशद गौरिया सिनेमा देख के आवारा हो गया। सिनेमा का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा कि सिगरेट पीने लगा, शराब पीने लगा, आवारा हो गया। सिनेमा बनाने वाले ने इसलिए सिनेमा नहीं बनाया था कि कोई देशभक्त हो जाएगा या कोई आवारा हो जाएगा। सिनेमा बनाने वाले का जो प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था, लोगों का मनोरंजन प्रदान करना। समाज के प्रत्येक अंगों का उद्भव का कारण स्वयं समाज होता है। समाज अपनी कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी कुछ अंगों को विकसित करता है और समाज के अंग अपने अपने प्रकारियों द्वारा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और समाज के लिए प्रकार्यकारी भूमिका निभाते हैं। ये प्रकार्यवाद की मान्यता है। मार्टिन कहते हैं ठीक है, लेकिन इसी को हम जकड़ करके घटना का विश्लेषण नहीं करेंगे। हम इस विचारधारा से इतना इन्फ्लुएंस होके, पूर्वाग्रही होकर के हम किसी घटना का समाजशास्त्रीय विश्लेषण नहीं करेंगे, घटना के प्रकारियों की खोज नहीं करेंगे, हम घटना के तो परिणामों की खोज करेंगे। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य घटना का समाज पर प्रभाव, प्रभाव कॉन्सिक्वेंसेस, या समाज का घटना पर प्रभाव। और जब हम परिणामों का विश्लेषण करेंगे तो परिणाम पॉजिटिव फंक्शनल भी हो सकता है, फंक्शन के रूप में भी हो सकता है। सिनेमा का फंक्शन मनोरंजन प्रदान करना, डिसफंक्शन के भी रूप में हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है, परोक्ष भी हो सकता है। ये सब परोक्ष परिणाम है। सिनेमा बनाने वाले ने इसकी सोच भी नहीं थी, सोचा भी नहीं था कि आवारा हो जाएगा। ये सब अप्रगट प्रकार है, अप्रगट दुष्प्रकार है, अप्रगट परिणाम है। एक समाजशास्त्री की नजर इतनी कंजर्वेटिव और बंधी हुई नहीं होनी चाहिए जैसा कि क्लासिकल प्रकार्यवाद में दिखाई देता है या जैसा कि मार्क्सवाद में दिखाई देता है। ये संकीर्ण चश्मा है, संकीर्ण परिप्रेक्ष्य है, संकीर्ण नजर है। इसमें ये लोग मान लेते हैं कि हर घटना का परिणाम नकारात्मक होगा, ये लोग मान लेते हैं कि हर घटना का परिणाम प्रकार्यकारी होगा। नहीं, एक समाजशास्त्री की नजर तटस्थ होनी चाहिए, घटना के परिणामों का भी विश्लेषण करे, सकारात्मक का भी और हानिकारक का भी, प्रकार का भी और दुष्प्रकार का भी। एक समाजशास्त्री की नजर गहरी होनी चाहिए, जहां तक सबकी नजर नहीं पहुंचे वहां तक समाजशास्त्री की नजर पहुंचे। ये तो सबको लगता है कि सिनेमा का प्रकार मनोरंजन प्रदान करना है, लेकिन ये तो समाजशास्त्री ही है जो कि यहां तक जान लिया कि सिनेमा लोगों को आवारा भी बना देता है, देशभक्त भी बना देता है, प्रगट प्रकार और अप्रगट प्रकार। इसको सीधे शब्दों में कहो, प्रत्यक्ष प्रकार और परोक्ष प्रकार, मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन या डिसफंक्शन, दोनों कर सकते हो। जो उसका समझ में आ गया, यही है मर्टल का संशोधन। अब हम और आगे एक एक करके पढ़ेंगे। प्रकार्यवाद का परिभाषा जो है वो शास्त्रीय प्रकार्यवाद, जो मैंने बताया दुर्खीम, बेलिनोस्की, ब्राउन, पार्सन्स। अब मर्टन संशोधन कर रहे हैं। संशोधन क्या किया मैंने बता दिया। वो कहते हैं कि मार्क्सवाद प्रकार्यवाद एक आइडियोलॉजी रहा है। एक समाजशास्त्री को तटस्थ होना चाहिए घटनाओं के विश्लेषण में। समाजशास्त्री को सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करते समय सामाजिक घटना का समाज पर क्या परिणाम है, परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए, प्रकारियों या दुष्प्रकारियों का नहीं। परिणाम प्रकार्यकारी भी हो सकते हैं और दुष्प्रकार्यकारी भी, प्रगट भी और परोक्ष भी। क्लियर है? यहीं पर चार संकल्पनाएं हमारे सामने आ गई, प्रकार, फंक्शन, दुष्प्रकार, डिसफंक्शन, अकार्य, नॉन फंक्शन, फिर प्रगट प्रकार, मैनिफेस्ट फंक्शन, और अप्रगट प्रकार, परोक्ष प्रकार।
लेटेंट, छुपा हुआ लेटेंट फंक्शन। तो पांच संकल्पनाओं को हम देख लिए हैं और ये संकल्पनाएं किस संदर्भ में मर्टन ने प्रस्तुत किए भी आपको क्लियर है। तो प्रकार क्या है, किसी इकाई के वे वस्तुनिष्ठ एवं निरीक्षित परिणाम, किसी इकाई के वे वस्तुनिष्ठ एवं निरीक्षित परिणाम जो किसी समग्र को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं, पॉजिटिव वाला, जो समग्र को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। क्लियर है? दुष्प्रकार है डिसफंक्शन, निगेटिव वाला, इकाई का वह परिणाम जो समग्र को बनाए रखने में नुकसानदायक होते हैं। दुष्प्रकार है, बहुत क्लियर है, मतलब लाभ और हानि, सकारात्मक परिणाम नकारात्मक परिणाम, इनके लिए शब्द दिया गया प्रकार है, दुष्प्रकार है। अकार्य, नॉन फंक्शन, किसी इकाई के वे परिणाम जो समग्र के लिए न तो लाभकारी और न ही हानिकारक। कुछ ऐसे भी समाज में इकाइयां, घटनाएं होती है जिनका परिणाम न तो लाभकारी होता है न ही हानिकारक, फिर भी वो समाज में बना रहता है। पहले वाले प्रकारवादी तो कहते थे कि हर चीज समाज में जो है वो समाज के लिए लाभकारी है। समाजशास्त्री को घटना के परिणामों का विश्लेषण जब वो करेगा, पहले से पूर्वाग्रह ही नहीं रहेगा कि हर घटना समाज के लिए लाभकारी होती है, लाभकारी ही होती है मानकर चलेगा, तो उसको दुष्प्रकार दिखाई ही नहीं देगा, उसको तो नकारात्मक परिणाम दिखाई ही नहीं देगा। लेकिन वो घटना के परिणामों का विश्लेषण करेगा तो फिर उसको लाभ भी दिखाई देगा, फिर वैसी घटनाएं भी दिखाई देगी जिसका ना तो लाभकारी परिणाम है ना ही हानिकारक परिणाम है। प्रकट प्रकार, व्यक्त प्रकार, प्रत्यक्ष प्रकार, मैनिफेस्ट फंक्शन, किसी इकाई के वे वस्तुपरक परिणाम जो व्यवस्था के सदस्यों द्वारा अपेक्षित होते हैं, मान्य होते हैं और वांछित होते हैं, ये प्रकट प्रकार है, अपेक्षित है, प्रत्याशित है, अप्रत्याशित नहीं है। सिनेमा बनाने वाले के लिए सिनेमा का क्या प्रकार है, लोगों को मनोरंजन प्रदान करेगा, अपेक्षित है, इसीलिए सिनेमा को बनाया गया है, इसी रूप में सिनेमा है, वांछित है, ये प्रकट प्रकार है। इसलिए अगर सिनेमा मनोरंजन प्रदान करता है तो मनोरंजन प्रदान करना सिनेमा का प्रकट प्रकार है। क्लियर है? प्रकट प्रकार, प्रत्यक्ष प्रकार है, और अप्रकट प्रकार है, अव्यक्त प्रकार है, परोक्ष प्रकार है, अप्रच्छन्न प्रकार, लेटेंट फंक्शन, छुपा हुआ, किसी इकाई के वे परिणाम जो व्यवस्था के सदस्यों के लिए अप्रत्याशित, अनपेक्षित या अमान्य होते हैं। अप्रत्याशित, अनपेक्षित, जिसकी अपेक्षा नहीं की गई है, सोचा भी नहीं गया था बनाते समय सिनेमा कि अभिषेक कैसा करेगा, सोचा भी नहीं गया था सिनेमा बनाते समय कि अरशद गौरिया आवारा हो जाएगा, लेकिन सिनेमा का ही परिणाम फलित हुआ। वैसे परिणामों को मटन ने लेटेंट फंक्शन नाम दिया। यहां पर लेटेंट फंक्शन या डिसफंक्शन हमेशा ध्यान में रखना, ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेटेंट फंक्शन / डिसफंक्शन, और यहां पर भी /
छुपा हुआ परिणाम, लेटेंट कंसिक्वेंसेस, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो छुपा हुआ परिणाम, बहादुर बन गया, देश प्रेमी बन गया, ये क्या है? लेटेंट फंक्शन है। आवारा बन गया, लेटेंट डिसफंक्शन है। बट ये अप्रत्याशित है, अनपेक्षित है। उस अंग का विकास करते समय समाज ने नहीं सोचा था, समाज के लिए तो अपेक्षित था कि मनोरंजन प्रदान करेगा। मटन कहते हैं कि कोई भी घटना का समाज पर परिणाम प्रकार के रूप में भी होता है, दुष्प्रकार के रूप में भी होता है। कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जिसका प्रकार परिणाम न तो लाभकारी न हानिकारक होता है, अकार्य के रूप में। और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसका परिणाम प्रकट होता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जिसके परिणामों के बारे में सोचा भी नहीं गया था, लेकिन उस घटना का वो परिणाम फलित होता है। ये अनपेक्षित परिणाम है, अप्रत्याशित परिणाम है। समाज ने नहीं सोचा था कि इस घटना का यह परिणाम होगा, छुपा हुआ परिणाम जो पहले के मार्क्सवादी या प्रकारवादी रहे हैं, ये पूर्वाग्रह ही रहे हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययन का यह परिपेक्ष तटस्थ परिपेक्ष नहीं है, समाजशास्त्रीय अध्ययन की यह गलत पद्धति है, गलत तरीका है, गलत मेथोडोलॉजी है। समाजशास्त्री को सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करते समय पहले से किसी विचारधारा के प्रभाव में पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए। जैसे मार्क्सवादी विद्वान मार्क्सवाद के विचारधारा के प्रभाव में पूर्वाग्रही होकर हमेशा घटना के केवल नकारात्मक परिणामों की चर्चा कर देते हैं और सकारात्मक परिणामों को छोड़ देते हैं। ये जो शास्त्रीय प्रकारवादी विचारक हैं, ये शास्त्रीय प्रकारवाद के पूर्वाग्रह प्रभाव में इतना पूर्वाग्रही हो जाते हैं कि घटना के केवल परिणामों का, प्रकारियों का विश्लेषण करते हैं और हानिकारक परिणामों को छोड़ देते हैं, दुष्प्रकारियों को छोड़ देते हैं। समाजशास्त्री को सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय, समाजशास्त्रीय परिपेक्ष से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय, सामाजिक घटनाओं का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करते समय किसी भी विचारधारा से पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तटस्थ होकर विश्लेषण करना चाहिए और घटना का समाज पर क्या परिणाम है, प्रभाव है, उसका विश्लेषण करना चाहिए। ये परिणाम प्रकार के रूप में हो सकते हैं, दुष्प्रकार के रूप में हो सकते हैं। परिणामों का विश्लेषण करते समय गहन नजर होनी चाहिए, गहरी नजर होनी चाहिए। जो परिणाम केवल दिख रहा है उसी का विश्लेषण नहीं करना चाहिए। तो समाज के सभी लोग जानते हैं, आप समाजशास्त्री हो, आप विद्वान हो, आप रिसर्चर हो, तो समाजशास्त्री को किसी भी घटना के उन परिणामों की खोज भी करनी चाहिए जो सामान्य तौर पर दिखाई नहीं देते हैं लेकिन फलित होते हैं, फलित होते हैं, फलित होते हैं, और प्रकट प्रकार या दुष्प्रकार। क्लियर है? मटन का यह अध्ययन समाजशास्त्रीय प्रकारवाद में, अप्रकारवाद में एक बहुत बड़ा संशोधन है और इसने बाद के समाज वैज्ञानिकों को बहुत सी ऐसी चीजों की तरफ अध्ययन को केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। आज हम सिनेमा का सामाजिक प्रभाव देखते हैं तो केवल मनोरंजन तक हम सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि सिनेमा के सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण करते समय हर तरह के प्रभावों को खोज निकालते हैं, जो प्रत्यक्ष है वो भी और जो छुपा हुआ है वो भी। तो हमारे पास पांच संकल्पनाएं आ गई, प्रकार, दुष्प्रकार, अकार्य, प्रत्यक्ष प्रकार या दुष्प्रकार, परोक्ष छुपा हुआ प्रकार या दुष्प्रकार। ठीक है, क्लियर है? पहला वाला प्रकारवाद क्या था और मर्टन का क्या संशोधन रहा, यह भी आपको क्लियर हो चुका होगा। और इसी संदर्भ में मर्टन ने अपनी कुछ अध्ययन की एक नई कुछ नियम बताया कि कैसे अध्ययन करना चाहिए, जिसे दुर्किम ने बताया था ना,
दुर्खिम ने बताया था कि एक समाजशास्त्री के अध्ययन की क्या पद्धति होनी चाहिए। मर्टन ने भी समाजशास्त्री अध्ययन की कुछ पद्धति बताई, क्या तरीका होना चाहिए। उसी को हम 11 सूत्री पैराडाइम के नाम से जानते हैं। 11 सूत्री पैराडाइम का मतलब होता है अध्ययन के 11 नियम। एक समाजशास्त्री को सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय इन 11 नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसा मर्टन ने बताया। उस 11 नियमों में क्या क्या है, तो यही सारी बातें हैं। परिणामों का विश्लेषण करते समय इसको भी, इसको भी, इसको भी, ये भी देखना, ऐसे देखना, वैसे देखना। उन्हीं में से कुछ नियमों को समझाने में मर्टन ने इन संकल्पनाओं को रखा है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, और आगे भी कुछ नियमों की चर्चा, कुछ संकल्पनाओं की चर्चा करेंगे। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में इन 11 नियमों का पालन करना चाहिए। मार्क्सवाद या प्रकारवाद की विचारधारा से पूर्वाग्रही होकर के सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण नहीं करना चाहिए। इन 11 नियमों का पालन करने से ही तटस्थ समाजशास्त्रीय अध्ययन संभव हो पाएगा। क्लियर है? प्रकार्यात्मक विकल्प, फंक्शनल अल्टरनेटिव्स, हम तीन संकल्पनाएं फिर छोड़ रहे हैं बच्चा, क्योंकि ये आगे पीछे जो छोड़े थे उसी से जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा गहन अध्ययन पाएगा, तो पहले हम एक आउटलाइन बना देंगे, तो फिर हम इन तीनों संकल्पनाओं की चर्चा करेंगे। एक है फंक्शनल अल्टरनेटिव्स, प्रकार्यात्मक विकल्प इसको केवल छोड़ रहे हैं। अब है समाज के बारे में विचार। यह था समाजशास्त्र के बारे में जो पार्सन्स ने विचार दिया, उसके बारे में मर्टन की प्रमुख शब्दावलियां। फिर मर्टन ने समाज के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत किया। हम लोगों के सिलेबस में संदर्भ समूह सिद्धांत पढ़ना था, और विसंगति और डेवियंस, कंफॉर्मिटी ये पढ़ना था। तो ये तीन चार संकल्पनाएं हम लोगों को जाननी चाहिए, संदर्भ समूह, और फिर विसंगति, अनुरूपता और विचलन, रिफरेंस ग्रुप। संदर्भ समूह का मतलब होता है कि किसी भी, या वह समूह जिसको कोई व्यक्ति अपनी स्थिति की तुलना करने के लिए यूज करता है। संदर्भ समूह कोई व्यवहार में कोई ऐसा समूह नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना प्राथमिक समूह, वो समूह जहां पर सदस्यों में एकदम प्रगाढ़ लगाव हो। द्वितीयक समूह, वो समूह जहां सदस्यों में बहुत प्रगाढ़ लगाव नहीं होता है। कोचिंग द्वितीयक समूह है, परिवार प्राथमिक समूह, मित्र मंडली प्राथमिक समूह है, कह सकते हो, लेकिन आप संदर्भ समूह का कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते हो। क्योंकि संदर्भ समूह का निर्माण हमारे मनोविज्ञान में होता है, संदर्भ समूह का निर्माण हमारे मनोविज्ञान में होता है। वो कोई भी समूह जिससे हम अपनी स्थिति की तुलना करते हैं, हम अपनी स्थिति की तुलना के आधार के रूप में हम यूज करते हैं। रमेश से मैं छोटा हूं, हमारे लिए रमेश संदर्भ समूह हो गया, यहां व्यक्ति है रमेश। सुरेश से मैं लंबा हूं, हमारे लिए सुरेश, यानी संदर्भ समूह कोई हो सकता है जिसको भी हम अपनी स्थिति के लिए संदर्भ समूह की सिद्धांत बहुत पहले से था। मर्टन ने भी इसको अपने विश्लेषण का आधार बनाया और बताया कि हमारे व्यवहार को, हम किसी समाज में पैदा लेते हैं, उसी समाज में हमारा सोशलाइजेशन होता है, उसी समाज के तौर तरीकों और नियमों को सीखते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। मर्टन कहते हैं कि निश्चित रूप से हमारे व्यवहार पर उस समूह का प्रभाव व्यापक होता है जिस समूह में हम रहते हैं, लेकिन हमारे व्यवहार पर
उस समूह का प्रभाव भी पड़ता है जिस समूह में हम नहीं रहते हैं, लेकिन हम मनोवैज्ञानिक रूप से उस समूह के साथ अपनी पहचान को स्थापित कर लेते हैं, उस समूह के साथ हम अपना आइडेंटिफिकेशन स्थापित कर लेते हैं, वो भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, वो भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। और हम लाइफ में अक्सर ऐसा करते रहते हैं, और आज के इस भौतिक उपभोक्तावादी समाज में ये बहुत ज्यादा होता है। यही है संदर्भ समूह व्यवहार। संदर्भ समूह व्यवहार, और इसी संदर्भ में मर्टन ने एक व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किया। मर्टन कहते हैं संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है जिसके साथ व्यक्ति अपना आइडेंटिफिकेशन तदात्मीकरण स्थापित करता है और जिसके अनुसार अपनी स्थिति या व्यवहारों का मूल्यांकन करता है। अक्सर हम लोग अपनी स्थिति का मूल्यांकन, किसी भी संदर्भ देखो, यहां संदर्भ समूह में समूह शब्द पे थोड़ा सा दिमाग मत रखो, संदर्भ व्यक्ति भी हो सकता है, उसको भी संदर्भ समूह सिद्धांत के अंतर्गत माना जाएगा। वो व्यक्ति भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है, संस्था भी हो सकता है। जब अपने हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति रमेश कुमार अपने हिंदू धर्म की तुलना ईसाई धर्म से करता है, उसको लगता है कि हिंदू धर्म तो बड़ा बेकार है, हम लोग जातीय सोपान में नीचे की जाती है तो मंदिर में भी नहीं घुसने दिया जाता है, क्या बढ़िया है ईसाई धर्म, सभी उसमें चर्च में जाकर के खड़े हो सकते हैं, क्या यहां क्या हो रहा है, वहां इस समय रमेश कुमार के लिए ईसाई धर्म क्या है, संदर्भ समूह है। धर्म एक संस्था है, लेकिन यहां उसको भी संदर्भ समूह कहा जाएगा। संदर्भ समूह शब्द का व्यापक अर्थों में प्रयोग मर्टन ने किया, उससे तुलना किया ईसाई धर्म, उसके लिए संदर्भ समूह है। सोनम नायक ने तुलना किया श्वेता से कि उसके पास मर्सिडीज है और हमारे पास तो केवल अल्टो है। यहां सोनम नायक के लिए श्वेता जो है वो संदर्भ समूह है। अरशद गौरिया ने तुलना किया अभिषेक कुमार से कि अभिषेक के पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास तो साइकिल है। या फिर अभिषेक ने तुलना किया अरशद गौरिया से, क्या रे 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 अरशद के पास तो साइकिल है, मेरे पास तो मोटरसाइकिल है। ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हुए, संदर्भ समूह बन गए। मर्टन कहते हैं कि ये तुलना भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, ये तुलना भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, और हम जीवन में अक्सर इस तरह की तुलनाएं करते रहते हैं। इसी संदर्भ में मर्टन ने कुछ संकल्पनाओं को यूज किया, संदर्भ समूह, तुलनात्मक अभावबोध रिलेटिव डिप्राइवेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन मार्जिनल मैन, ध्यान से सुनो। मर्टन कहते हैं कि अरशद गौरिया ने जब तुलना किया कि अभिषेक के पास मोटरसाइकिल है, या अभिषेक ने तुलना किया कि मेरे पास मोटरसाइकिल है और अरशद गौरिया के पास साइकिल है, तो तुलना करके थोड़ा वो अच्छा अनुभूति किया। मोटरसाइकिल से जा रहा था, जैसे ही अरशद पर नजर पड़ी ये अपना साइकिल का पैडल ठीक कर रहा था, उस समय अभिषेक थोड़ा टाइट हो गया, एक तुलनात्मक उच्चता का भाव उसके अंदर आया, तुलना करके अपने को उच्च स्थिति में पाया। लेकिन जैसे ही अभिषेक कुछ कदम आगे बढ़ा तो फिरोज होंडा सिटी से अभिषेक के सामने से गुजरा, बोला हेलो अभिषेक कैसे हो,
बेचारा अभिषेक कंपेयर किया फिरोज से, तो देखा कि उसके पास होंडा सिटी है और मेरे पास तो मोटरसाइकिल है, ढीला पड़ गया। और फिरोज मोटरसाइकिल से अपनी तुलना किया तो टाइट हो गया उस पीरियड में, सोचते जाओ। मटेल कहते हैं कि फिरोज जैसे ही आगे बढ़ा तो अचानक देखा कि रवि मर्सिडीज लेके उसके बगल से निकला। बोला, हेलो कैसे हो फिरोज? बेचारा फिरोज तुलना करके ढीला पड़ गया। उसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास तो होंडा सिटी है। तुलना करके जो वंचन का बोध हुआ कि उसके पास है और मेरे पास नहीं है, उसके पास है मेरे पास नहीं है, उसके पास है और मैं इससे वंचित हूं, इसके लिए मटन ने एक शब्द दिया, तुलनात्मक अभाव बोध, रिलेटिव डिप्राइवेशन। रिलेटिव डिप्राइवेशन, रिलेटिव डिप्राइवेशन। अक्सर ये होता रहता है हमेशा लाइफ में। सोनम नायक बैठी हुई है, 10,000 का मोबाइल है, तब तक बगल वाली लड़की एक 50,000 का मोबाइल लेके बगल में ऐसे ऐसे करना शुरू करती है, कट 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 कट। सोनम नायक को टेंशन हो जाता है, उसके पास 50,000 वाला है, मेरे पास 10,000 वाला है। तुलनात्मक अभाव बोध, और ये टेंशन बेचैन करता है सोनम नायक को कि उसके पास भी हो। अरशद गौरिया को बेचैन किया, फिरोज खान को बेचैन किया, उसके पास ही भी, उसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास होंडा सिटी है, मेरे पास भी मर्सिडीज होना चाहिए। फिरोज खान से तुलना करके अभिषेक टेंशन में आ गया कि मेरे पास भी होंडा सिटी होना चाहिए, मोटरसाइकिल क्या। अरशद गौरिया बेचारा टेंशन में आ गया, साइकिल है, अब मैं भी जल्दी से मोटरसाइकिल खरीदूं। तुलनात्मक अभाव बोध, उसके जैसा बनने का प्रयास, उसके जैसा बनने का प्रयास। व्यक्ति उस बनने के प्रयास में लग जाता है, उस होड़ में लग जाता है, लग जाता है, लग जाता है। अब बताओ कि संदर्भ समूह ने हमारे व्यवहार को प्रभावित किया कि नहीं किया? संदर्भ समूह कैसे हमारे अंदर तुलनात्मक अभाव बोध को जन्म देता है और कैसे हमारे व्यवहारों को प्रभावित करता है, और कैसे हम अपनी स्थिति को ऊपर उठाने में लग जाते हैं और अपनी स्थिति को ऊपर उठाते हैं। आज के डेट में जो कंपटीशन है, और ये कंपटीशन कहीं ना कहीं सामाजिक गतिशीलता का कारण है। सामाजिक गतिशीलता मतलब व्यक्ति नीचे से ऊपर जाने का कारण है, ऊर्ध्वमुखी सामाजिक गतिशीलता का कारण है। ये तुलना कर करके हमारे अंदर बेचैनी आती है, और यही बेचैनी हमसे और ढेर सारा काम करवाती है, ढेर सारा मेहनत करवाती है। हम लोग कहते हैं ना कि आखिर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो दिल्ली चलो। क्यों, क्या रखा है दिल्ली में? रखा है दिल्ली में, अगल बगल के फ्लैट में तुम्हारे ढेर सारे लोग तैयारी करने वाले मिलेंगे। एक ऐसा माहौल होता है जो तुम्हारे अंदर एक जोश को पैदा करता है, एक ऐसा माहौल होता है जहां तुम तुलना करके हमेशा अपनी स्थिति से अवगत होते रहते हो। अदरवाइज अकेले कमरे में बैठोगे तो समझोगे कि हम ही एक अकेले 30 मार खा है, तुलना कहां कर पाओगे। अगल बगल के कमरे में वो लड़का पीटी पास कर गया, मेंस दे रहा, कोई मेंस पास कर गया, इंटरव्यू दे रहा, हर तरह के लड़कों से तुम्हें अपनी स्थिति की तुलना करने का मौका मिलता है। कहते हैं कि एक इन्वायरमेंट मिल जाता है तैयारी करने में। 3 साल 4 साल का प्रोग्राम बना करके बच्चे आते हैं और तैयारी करते हैं। मटन कहते हैं कि तुलनात्मक अभाव बोध सामाजिक गतिशीलता का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यही हमारे अंदर बेचैनी उत्पन्न करता है। और हम हर आदमी लगा हुआ है पागलों की तरह। आप देखो आपके बगल में पड़ोसी जो है, जैसी एक बढ़िया सा कार जो आपके घर में नहीं है खरीदता है, आपके यहां टेंशन बढ़ जाता है। फिर आप प्रयास में लग जाते हो कि कैसे अगली बार आप हम भी खरीदेंगे। जैसे ही आप अगली बार कार खरीदते हो, पड़ोसी अब एक नया कार आपसे अलग, आपसे ऊपर होने के लिए एक नया कार खरीद ले आता है, और महंगा वाला। आप और बेचैन होते हो, वो भी आप कार खरीदते हो, बैठेंगे उतने ही लोग। रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर, रिलेटिव डिप्राइवेशन, सोशल मोबिलिटी।
रिफरेंस ग्रुप बिहेवियर, रिलेटिव डिप्राइवेशन, सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता, संदर्भ समूह, एक ऐसा समूह जिसके साथ व्यक्ति अपना तदात्मीकरण स्थापित करता है और जिसके अनुसार अपनी स्थिति या व्यवहारों का मूल्यांकन करता है, और तुलनात्मक अभाव बोध, रिलेटिव डिप्राइवेशन, किसी व्यक्ति द्वारा अन्यों से तुलना करके, अन्यों से तुलना करके किसी तत्व या वस्तु के संदर्भ में अभाव नहीं है, उसके पास है और मेरे पास नहीं है, अभाव की अनुभूति करना मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक चीज है कि उसके पास है और मेरे पास नहीं है, इसको रिलेटिव डिप्राइवेशन। और मटन कहते हैं कि यही रिलेटिव डिप्राइवेशन व्यक्ति को बेचैन करती है। आज के आधुनिक समाज में यह व्यक्ति को बेचैन कर रही है और आज सामाजिक गतिशीलता का एक बहुत बड़ा कारण है। अमेरिका ने जो भी अध्ययन किया मार्टिन ने, वो अमेरिकी समाज के संदर्भ में किया, और उस समय अमेरिकी समाज की स्थिति की चर्चा मैं कर चुका हूं। प्रतिस्पर्धा बढ़ा हुआ था, हर आदमी बेचैनी से अपने प्रयास कर रहा था, जी जान से लगा हुआ था, एक दूसरे से तुलना करता था, तुलना करके दुखी हो रहा था, दुखी होकर के ऊपर उठ रहा था। सामाजिक गतिशीलता मतलब व्यक्ति की स्थिति में सुधार का एक बहुत बड़ा कारण था संदर्भ समूह व्यवहार। मटर ने कहा कि हम जिस समूह में रहते हैं, हमारे व्यवहार को केवल वही समूह प्रभावित नहीं करता है, हम जिस समूह के सदस्य होते हैं, केवल सदस्यता समूह ही हमारे व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है, गैर सदस्यता समूह भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, वो समूह भी हमारे व्यवहारों को प्रभावित करता है जिसके हम सदस्य नहीं होते, लेकिन हम दिमाग में तो उसको ला लेते हैं और दिमाग में ला करके अपनी स्थिति का तुलना कर लेते हैं। तुलना करके अगर उसके पास है मेरे पास नहीं है, तुलनात्मक अभाव बोध से ग्रसित होते हैं और फिर उसके जैसा बनने के लिए बेचैनी उत्पन्न होती है, प्रयास उत्पन्न होता है, और उसी बेचैनी और प्रयास से हम अपनी स्थिति को ऊपर उठाने में सफल होते हैं, सामाजिक गतिशीलता संभव होती है। मटन कहते हैं कि ये जो तुलना है वस्तुओं के संदर्भ में नहीं है, हमारे व्यवहारों में, व्यवहार के तरीकों के संदर्भ में भी दिखाई देता है। रेखा कुमारी गांव से दिल्ली आती, या अरशद गौरिया गांव से दिल्ली आता है, जो भी गांव से दिल्ली आया था तो एकदम कुर्ता पैजामा पे आया था, या रेखा कुमारी गांव से दिल्ली आई थी, सोनम नायक या रेखा कुमारी, तो नारियल तेल वाली चोटी थी, सलवार कमीज पहने हुए थी, और जैसे ही दिल्ली आई तो एकदम तमक झमक वाली लड़कियों को देखा, शहरी लड़कियों को देखा, उससे कंपेयर किया उसने, उसको लगा वैसा बनना चाहिए। अगले दिन से ही उसने उनका अनुकरण करना शुरू किया, वो भी अपना बाल कट करवाई, तेल से नाता तोड़ा, शैंपू से नाता जोड़ा, और वो भी अपनी जुल्फे लहरा कर चलने लगी। अरशद गौरिया दिल्ली में आते ही अपना वेशभूषा बदल दिया। अरशद गौरिया एक पार्टी में गया, दिखा 8-10 आईएएस आए हुए, क्या स्टाइल है, क्या जलवा है, गार्ड है, बॉडीगार्ड है, तुलना किया, तुलना करके तुलनात्मक अभाव बोध हुआ कि सब सेलेक्ट हो चुके हैं, अभी हम पीटी भी नहीं पास किए। ये तुलनात्मक अभाव बोध का दो रिजल्ट हुआ, इसने अपनी तैयारी को तेज भी किया और उनकी जीवन शैली को भी अपनाना शुरू किया। अक्सर ऐसा होता है, ये फील करने लगा मैं भी आईएएस की तैयारी करने वाला, आईएएस की तरह चलने लगा, आईएएस की तरह एकदम बातचीत करता है, अपने व्यक्तित्व में भी पूरी आईएएस की जीवन पद्धति को अपना लिया। हमारे सोशियोलॉजी में एक कंसेप्ट है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। जब हम समाज में पैदा लेते हैं तो समाज के नियमों और तौर तरीके को सीखते हैं, सीखने की इसी प्रक्रिया को सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन इज ए लर्निंग प्रोसेस, जहां एक व्यक्ति अपने समाज के तौर तरीके को सीखकर सामाजिक मानव के रूप में तैयार होता है।
मर्टन ने यहां एक और संकल्पना यूज किया। मर्टन कहते हैं कि हम केवल अपने ही समाज के तौर तरीके को नहीं सीखते हैं, हम उस समाज के तौर तरीके को भी सीखते हैं। हम उसके सदस्य नहीं होते हैं लेकिन सदस्य बनना चाहते हैं। प्रत्याशी समाजीकरण, प्रत्याशी समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। हम केवल अपने सदस्यता समूह के तौर तरीके और मानदंडों को ही नहीं सीखते, गैर सदस्यता समूह के तौर तरीके और मानदंडों को भी सीखते हैं। हम उसके सदस्य नहीं है, क्यों सीखते हैं भाई? क्योंकि हम सदस्य बनना चाहते हैं। अरशद गौरिया आईएएस नहीं है, अरशद गौरिया आईएएस नहीं है, लेकिन आईएएस के जीवन शैली को सीख गया है, जीवन शैली को अपनाना शुरू किया है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी गैर सदस्यता समूह के सदस्य बनने के लिए, अरशद गौरिया आईएएस बनना चाहता है, आईएएस समूह उसके लिए गैर सदस्यता समूह है। अभी अरशद गौरिया आईएएस समूह का सदस्य नहीं बना है, अभी अरशद गौरिया आईएएस नहीं बना है, आईएएस समूह उसके लिए गैर सदस्यता समूह है। लेकिन वो आईएएस समूह से अपनी तुलना किया, आईएएस समूह को संदर्भ समूह के रूप में रखा दिमाग में, उनसे अपनी आइडेंटिफिकेशन स्थापित किया, उनसे तुलना किया, तुलनात्मक अभाव बोध से ग्रसित हुआ, उसके जैसा बनने की इच्छा रखा और तैयारी के साथ साथ उस समूह के मूल्यों को मानदंडों को सीखना शुरू कर दिया। किसी व्यक्ति द्वारा किसी गैर सदस्यता समूह का सदस्य बनने के लिए उस समूह के मूल्यों एवं मानदंडों को सीखने की प्रक्रिया, उस समूह के तौर तरीके को सीखने की प्रक्रिया, इसी को हम एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं, प्रत्याशी समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण मतलब अपने समूह के तौर तरीके को सीखने की प्रक्रिया, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन मतलब उस समूह के तौर तरीके को सीखने की प्रक्रिया जिसका हमको सदस्य बनना है या बनना चाहते हैं। यह है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। मर्टन कहते हैं कि आज के उपभोक्तावादी समाज में जो अमेरिका में हो रहा था, संदर्भ समूह व्यवहार एक बहुत महत्वपूर्ण फेनोमेना है जो आज अमेरिका में सामाजिक गतिशीलता का एक बहुत बड़ा कारण है। हम डेली लाइफ में तुलना कर रहे हैं और अन्य लोगों के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन स्थापित करते रहते हैं, किसी से तुलना करके खुश होते हैं, किसी से तुलना करके दुखी होते हैं। और जिनसे दुखी होते हैं, तुलनात्मक अभाव बोध, हम उसके जैसा बनने के लिए प्रयास करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, और यही प्रयास हमारी स्थिति में सुधार का एक बहुत बड़ा कारण है। आधुनिक औद्योगिक समाजों में सामाजिक गतिशीलता की दर उच्च होती है और सामाजिक गतिशीलता की दर उच्च होने का कारण संदर्भ समूह बिहेवियर है, रिफरेंस ग्रुप बिहेवियर है, तुलना करके अभाव बोध से ग्रसित होना और फिर उसके जैसा बनने का प्रयास करना, पूरी ताकत लगा के प्रयास करना। और उसके जैसा बनने के साथ साथ उनके तौर तरीकों और मूल्यों को अपनाना, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। मर्टन कहते हैं कि इस तरह का परिणाम हमेशा सामाजिक गतिशीलता नहीं होता है, हमेशा इस तरह का करने से व्यक्ति ऊपर ही उठ जाए जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, बट करता है आदमी। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन जब करेगा, उस तौर तरीके और जीवन को सीखेगा, अपनाएगा, तो इसका जो लाभ है वो लाभ है कि यदि अरशद गौरिया आईएएस बन जाता है तो उसको दिक्कत नहीं होगी, उसको दिक्कत नहीं होगी, उसको इस तरह का सोशलाइजेशन उस समूह के सदस्य बनने में और साथ साथ उस समूह में एकोमोडेट करने में आसान होगी। वो गवई टाइप आईएएस समूह में शामिल नहीं होगा, जब वो मसूरी जाएगा तो बहुत सारे तौर तरीके सलीके को सीखा हुआ रहेगा, इंटरव्यू में भी ये सीखा हुआ तरीका उसको फायदा पहुंचाएगा। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का यह लाभ है। लेकिन एक बात और हुआ, अरशद गौरिया आईएएस के तौर तरीके को सीखते सीखते एकदम आईएएस टाइप महसूस करता है। अरशद गौरिया गांव पर गया वापस, गांव के अगल बगल के लोगों ने, उसी गांव के उसके पड़ोसियों ने अपने अपने बेटे को डांटा, नालायक हो, देखो अरशद दिल्ली से आया है, कितना सलीके से रहता है आईएएस की तरह,
आईएएस की तैयारी कर रहा है, नालायको जाओ सीखो उनसे कुछ। मां बाप ने जब अपने बेटों को कोसा डांटा, डांट सुनकर किसी को बुरा लगता है? वो बच्चे अरशद गौरिया के पास चले आए, मन में है कि इसी के कारण हमको डांट मिली है, लेकिन फिर ये भी मन में है कि भाई भैया को सिखाएंगे आईएएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अरशद भैया बताइए ना आईएएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, आप दिल्ली रहते हैं। अरशद एकदम वहां टाइट हो गया, अरे अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, तुम लोग अभी गाइड पढ़ करके आईएएस बन रहे हो, सब ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ता है, क्या करोगे ऐसे, सब चीज ये करना होगा। थोड़ा सा एकदम गांव के लोगों को थोड़ा नहीं ठीक लगता है बच्चों को, लेकिन उधर भी डांट सुना, ये भी अरशद भी भाव मार रहा, लेकिन फिर भी नहीं भाई तैयारी कर रहा। मर्टन कहते हैं कि यह एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का एक बहुत बड़ा लाभ है कि अरशद गौरिया की स्थिति सुधर सकती है, जब ऊपर उठेगा सुधरने में मदद करेगी, और आईएएस बनेगा तो वहां पर अपने को एकोमोडेट करने में उसको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आईएएस के जीवन शैली को सीख चुका। लेकिन यदि आईएएस नहीं बन पाया, यदि आईएएस नहीं बन पाया, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, आईएएस वाले बात भी नहीं करेंगे, वो आईएएस है, आईएएस का स्टाइल मारने से क्या हुआ, और अपने गांव के जीवन शैली को भी वो छोड़ चुका है। गांव में जाएगा तो कहेंगे अरे ये बड़ा आईएएस बनता था, अब आया उठ पहाड़ के नीचे, ये तो सीधे मुंह बात नहीं करता था, कितनी बार डटवाया हम लोगों को माता पिता से, अब औकात समझ में आई, बेचो पान बैठ के अपने बाप के दुकान पे। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ऐसे व्यक्ति के लिए मर्टन एक शब्द यूज करता है, मार्जिनल मैन, ध्यान से सुनो, सीमांत मानव, सीमांत मानव, मार्जिनल मैन, सीमा पर अवस्थित मानव, न उधर का रहा बेचारा न इधर का रहा, मार्जिनल मैन, सीमांत व्यक्ति। जब व्यक्ति गैर सदस्यता समूह के रूप में, जब व्यक्ति गैर सदस्यता समूह के रूप में संदर्भ समूह का सदस्य नहीं बन पाता है, आईएएस संदर्भ समूह था अरशद गौरिया के लिए, आईएएस गैर सदस्यता समूह था, मतलब अरशद गौरिया आईएएस समूह का मेंबर नहीं था, अभी बना नहीं था, लेकिन बनना चाहता था, बनने के लिए एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन किया, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, अपने समूह के तौर तरीके को छोड़ दिया, धोती कुर्ता कुर्ता पैजामा टाइप, अब एकदम ड्रेस से लेकर के जीवन शैली हाव भाव सब कुछ गवई वाला नहीं, आईएएस वाला, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। जब व्यक्ति गैर सदस्यता समूह के रूप में संदर्भ समूह का सदस्य नहीं बन पाता है और सदस्यता समूह के सदस्यों द्वारा भी नापसंद किया जाने लगता है, क्यों नापसंद किया जाने लगेगा, क्योंकि उसने अपने उस समूह के मूल्यों मानदंडों तौर तरीके को छोड़ दिया है, तो उसे सीमांत व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है, मार्जिनल मैन, मर्टन ने उसे मार्जिनल मैन कहा है, सीमांत व्यक्ति कहा है। और व्यक्ति जब मार्जिनल मैन होगा तो क्या होगा, टेंशन बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या करेगा, बहुत कुछ कर सकता है। यहीं पर मर्टन अपने विचलन के सिद्धांत को जोड़ते हैं कि मार्जिनल मैन बन जाएगा व्यक्ति, तनाव में आएगा व्यक्ति, फ्रस्ट्रेशन में आएगा, अब वो जीवन शैली अपना लिया है, उस जीवन शैली को कैसे मेंटेन किया जाएगा, बैंक लूटेगा, बहुत सारे इंजीनियर आज के डेट में झारखंड में बैठ करके साइबर क्राइम पर पढ़े होंगे, इंजीनियर नौकरी नहीं लगी और चपरासी का काम तो करेंगे नहीं, पूरी जीवन शैली इंजीनियर की, इंजीनियरिंग की है, नहीं लगी नौकरी, साइबर क्राइम कर रहे हैं, वो बैंक लूटेगा, क्राइम करेगा, नहीं तो आंदोलन करेगा, नक्सली बन जाएगा, सिस्टम ही खराब है, ये भी कर सकता है, और नहीं तो फिर शराब पिएगा, ड्रग्स लेगा, दम मारो दम मिट जाएगा, ड्रग्स एडिक्शन स्वीकार कर लेगा। समझ में आ रहा मेरी बात, ये विचलन है
यही स्थिति मर्टन कहते हैं आज के अमेरिकी समाज में। प्रयास के व्यक्ति तुलनात्मक अभाव बोध व्यक्ति को फोर्स करता है, बेचैन करता है, और प्रयास के बाद भी व्यक्ति नहीं बन पाता है, मार्जिनल मैन बन के रह जाता है, और यही तनाव उसको नियमों से हटकर व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, विचलन के लिए प्रेरित करती है, विचलन के लिए प्रेरित करती है, मार्जिनल मैन। संदर्भ समूह से जुड़ी हुई संकल्पना, और अगला लास्ट टॉपिक है मर्टन का, विसंगति, अनुरूपता और विचलन। विसंगति, अनुरूपता और विचलन, तो हमारा अगला टॉपिक है विसंगति, एनोमी परिभाषिक शब्दावली में। विसंगति, अनुरूपता और विचलन, मैंने पहले ही बताया कि सुसंगत विसंगत, सुसंगत शब्द से लग रहा ना, सुसंगत सब कुछ, और विसंगत संगतता का अभाव। इस वर्ड को सबसे पहले यूज किया एमिल दुर्खिम ने, और एमिल दुर्खिम ने यूज किया था सामाजिक नियमों और मूल्यों के बारे में भ्रम की स्थिति। दुर्खिम का जो संदर्भ था बच्चा, वो संदर्भ ये था कि पहले धर्म प्रधान समाज था, सामाजिक नियमों को बनाने वाला धर्म था, लोग धर्मावलंबी थे, लोग धर्मों को दिल से फॉलो करते थे, इसलिए धर्म द्वारा बनाए हुए नियमों और मूल्यों पर एक मत्यता थी, मूल्य एक मत्यता थी, और लोग नियमों के अनुरूप व्यवहार करते थे। लेकिन जैसे ही तर्क बुद्धिवाद और विज्ञान का विकास हुआ, कई जगहों पर धर्म झूठा साबित हो गया, समाज के ऊपर से धर्म का प्रभाव कमजोर हुआ, और जब धर्म का प्रभाव कमजोर हुआ तो धर्म द्वारा बनाए हुए नियमों का प्रभाव भी लोगों के ऊपर से कमजोर हुआ, और फिर समाज के लोग नियमों को चुनौती देने लगे, बहुत सारी धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देने लगे। धर्म कहता था राजा भगवान का प्रतिनिधि है, लोगों ने डिनाई किया, लोकतंत्र आया। धर्म कहता था पति परमेश्वर, महिलाओं ने विरोध किया, मतलब बहुत सारी धार्मिक मान्यताओं का विरोध शुरू हुआ, नए नए तर्कसंगत मान्यताओं का विकास शुरू हुआ। दुर्खिम कहते हैं कि समाज की मूल्य एक मत्यता कमजोर हो गई, समाज के मूल्यों और नियमों के बारे में एक कंफ्यूजन, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी स्थिति के लिए दुर्खिम ने एक शब्द यूज किया एनोमी, विसंगति, विसंगतिपूर्ण समाज जो तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजरा, यहां संगतता का अभाव पाया गया। सुसंगत विसंगत, लैक ऑफ संगतता इज कॉल्ड विसंगति। मर्टन ने इस विसंगति या एनोमी की संकल्पना को दुर्खिम ने भी एक सामाजिक स्थिति के लिए कहा, एक ऐसी सामाजिक स्थिति जहां समाज के मूल्यों और नियमों के बारे में संगतता खत्म हो गई। मर्टन ने इसको थोड़ा और व्यापक अर्थों में यूज किया। मर्टन ने इसको सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधनों के संदर्भ में यूज किया, सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधनों के संदर्भ में यूज किया। मर्टन कहते हैं कि हर समाज में कुछ समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य होते हैं। हर समाज, हमारे परंपरागत भारत समाज में समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य था मोक्ष, आज के उपभोक्तावादी भारतीय समाज में समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य भौतिक सफलता। मर्टन के समय के अमेरिकी समाज में समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य था भौतिक सफलता। इस समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य को मर्टन सांस्कृतिक लक्ष्य कहते हैं। मर्टन कहते हैं कि हर समाज में समाज कुछ लक्ष्य को निर्धारित करता है और अपने सदस्यों से अपेक्षा करता है कि आप सभी इस लक्ष्य को प्राप्त करें, फिर समाज इस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ रास्ता भी बताता है, कुछ समाज द्वारा अनुमोदित साधन भी उपलब्ध कराता है, बताता है मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है। मोक्ष सर्वोच्च लक्ष्य है और सबको मोक्ष के लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, लेकिन कैसे मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, अर्थ काम धर्म के अनुसार अर्थ और काम के लक्ष्य को प्राप्त करके ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। ढेर सारे तरीके हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बताए गए, यानी मोक्ष के लक्ष्य को अपने मन से नहीं प्राप्त करना है,
समाज द्वारा बताए गए तरीकों से प्राप्त करना है, समाज द्वारा बताए गए साधनों के द्वारा प्राप्त करना है, इसी को हम संस्थागत साधन की संज्ञा देते हैं। मटन कहते हैं आधुनिक अमेरिकी समाज में समाज द्वारा निर्धारित सांस्कृतिक लक्ष्य क्या है? भौतिक सफलता। आज का औद्योगिक समाज, उपभोक्तावादी समाज भौतिक सफलता के लक्ष्य को स्वीकार करता है और अपने सभी सदस्यों से कहता है कि भौतिक सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करो। जो अमीर है, कार से आता है, उसको समाज ऊंचा स्थान देता है। हमारे परंपरागत भारतीय समाज में जो ढेर सारा वेद का ज्ञाता था, समाज उसको ऊंचा स्थान देता था। भौतिक सफलता, आर्थिक सफलता उस समाज का लक्ष्य नहीं था प्रमुख। लेकिन मर्टन का आधुनिक समाज भौतिक सफलता के लक्ष्य को स्वीकार करता है और मर्टन कहते हैं कि इस अमेरिकी समाज में इस भौतिक सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ संस्थागत साधन भी उपलब्ध कराए गए, बताए गए हैं। जैसे पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरी करो, खूब पैसा कमाओ और भौतिक सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करो। बढ़िया व्यवसाय करो, खूब पैसा कमाओ और भौतिक सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करो। मर्टन कहते हैं कि वह समाज जहां संस्थागत साधन भौतिक सफलता के लक्ष्य, सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन के मध्य संतुलन है, वो सुसंगत समाज है। मतलब पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो और कार टीवी फ्रिज खरीदो, भौतिक सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करो। अब सबके पास पढ़ाई करने की सुविधा है तो सब पढ़ाई करेंगे, अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगे, कार टीवी फ्रिज खरीदेंगे। बिजनेस करो, पैसा कमाओ, कार टीवी फ्रिज खरीदो, भौतिक सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करो। सबके पास बिजनेस करने के लिए पर्याप्त पैसा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा समाज सुसंगत समाज है। सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधनों के मध्य जो संतुलन की स्थिति है, इसको सुसंगत समाज, सुसंगति। सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधनों के मध्य संतुलन की स्थिति, इसको सुसंगति। और सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधनों के मध्य असंतुलन की स्थिति, इसको विसंगत समाज, विसंगति। मर्टन कहते हैं कि विसंगति या एनोमी समाज की एक अवस्था है जहां समाज के सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधनों के मध्य असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मटन ने कहा अमेरिकी समाज में यही स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज अमेरिकी समाज विसंगति के दौर से गुजर रहा है। आज अमेरिकी समाज में सांस्कृतिक लक्ष्य है भौतिक सफलता, संस्थागत साधन है कि अच्छी नौकरी करो, भौतिक सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करो, अच्छा व्यवसाय करो और भौतिक सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करो। लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए समाज में संरचनात्मक असमानता है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं और जो अमीर हैं वो अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी नौकरी करके भौतिक सफलता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो अमीर हैं वो अच्छा व्यवसाय करके भौतिक सफलता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब है उसको तो संस्थागत साधन उपलब्ध ही नहीं है। अब उसके मन में है कि भौतिक सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करना है, प्राप्त करना है, प्राप्त करना है, अमीर बनना है, कार टीवी फ्रिज खरीदना, लेकिन समाज ने जो तरीका बताया है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो तरीका, वो साधन उसके पास उपलब्ध ही नहीं है। बेचारा गरीब है और अमीर धनाधन भौतिक सफलता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। यह असंतुलन की स्थिति, मार्टिन कहते हैं यही विसंगति की स्थिति है, यही विसंगति की स्थिति है। यह सुसंगत समाज नहीं है, यह विसंगत समाज है। अगर समाज सुसंगत हो तो कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति संस्थागत साधनों के द्वारा सांस्कृतिक लक्ष्य को प्राप्त करेगा, व्यक्ति समाज द्वारा बताए गए रास्ते पर चल करके समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। इसी को मर्टन अनुरूपता कहते हैं। अब ध्यान दो, दो शब्दावली। अनुरूपता या कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार, और विचलन का मतलब होता है समाज के नियमों से हटकर किया गया व्यवहार। कन्फॉर्मिटी, अनुरूपता, डेवियंस, विचलन। समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार अनुरूपता कहलाता है और सामाजिक नियमों से हटकर किया गया व्यवहार विचलन कहलाता है, डेवियंस कहलाता है।
मर्टन ने थोड़ा सा अलग अर्थों में दोनों को परिभाषित किया। मर्टन कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति संस्थागत साधनों के द्वारा सांस्कृतिक लक्ष्य को प्राप्त करता है तो अनुरूपता है, मतलब समाज द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए, समाज द्वारा बताए गए तरीकों से, समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करता है तो उसका यह व्यवहार अनुरूपता है, प्रॉपर व्यवहार है। लेकिन यदि व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को छोड़ देता है या साधनों को छोड़ देता है या गलत तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, बैंक लूट करके अमीर बनने का प्रयास करता है, साइबर क्राइम के द्वारा भौतिक सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, या लक्ष्य को छोड़ करके दारू पीने लगता है, ड्रग्स लेने लगता है, या फिर आंदोलन शुरू कर देता है कि लक्ष्य ही खराब है, ये संस्थागत साधन का वितरण ही खराब है, कुछ लोगों को ये साधन उपलब्ध है और हम गरीबों को उपलब्ध नहीं है, नक्सलवाद आंदोलन। मार्टिन कहते हैं कि ये सभी तरह का व्यवहार विचलन है, विचलन है, विचलन है। और फिर मार्टिन कहते हैं ये क्यों है, अनुरूपता का कारण क्या है। मार्टिन कहते हैं समाज कैसा वाला समाज, सुसंगत समाज, कैसा वाला सुसंगत समाज जहां सांस्कृतिक लक्ष्य पर सब सहमत है और जहां सबको संस्थागत साधन उपलब्ध है, सबके पास पैसा है, सबको अच्छी पढ़ाई की सुविधा है, तो सब अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करेंगे या अच्छा व्यवसाय करके खूब पैसा कमाएंगे और भौतिक सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यानी एक सुसंगत समाज में व्यक्ति अनुरूपतावादी व्यवहार करता है, यानी एक सुसंगत सामाजिक संरचना व्यक्ति को फोर्स करती है और व्यक्ति अनुरूपतावादी व्यवहार करता है, यानी अनुरूपता का कारण सुसंगत सामाजिक संरचना है, अनुरूपता का कारण सुसंगत सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना है, और विचलन का कारण विसंगत समाज है। सांस्कृतिक लक्ष्य सबके लिए उपलब्ध है, सब इस पर सहमत है, भौतिक सफलता, लेकिन संस्थागत साधन लोगों के पास उपलब्ध ही नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेगा। भौतिक सफलता के लक्ष्य की प्राप्ति का दबाव, कार नहीं है अच्छी, टीवी भी नहीं अच्छी, एक मोबाइल तक नहीं अच्छी, चलो उधर जाओ बाहर जाओ, प्रेशर ऑफ सोसाइटी। और जिसके पास भौतिक सफलता के लक्ष्य को जो प्राप्त किया, आइए आइए मर्सिडीज से आए हैं, आइए बैठिए, वाह आइए, अरे कितने का मोबाइल, अरे 1,00,000 का मोबाइल, अरे वाह आइए आइए, इट्स प्रेशर ऑफ सोसाइटी, ये समाज का दबाव है, भौतिक सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करो नहीं तो तुम बेकार हो, बकवास हो, आपके हमारे ऊपर ये दबाव है। लेकिन हमारे पास इस भौतिक सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो समाज ने संस्थागत साधन उपलब्ध रखा बनाया है वो उपलब्ध हमारे पास नहीं है, हम गरीब हैं, ना पैसा है कि हम अच्छी पढ़ाई करें, ना पैसा है कि हम अच्छा व्यवसाय करें। ये दबाव हमारे अंदर तनाव को उत्पन्न करेगा, तनाव से हम हो सकता है कि नशा करना शुरू कर दे, विचलन। मर्टन ने इसको भी विचलन कहा है। ये तनाव या दबाव हो सकता है हमको बैंक लूटने के लिए भी बस कर दे, हम जाके बैंक लूट करके, एटीएम लूट करके और अपने भौतिक सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने लगे, ये भी विचलन है। ये तनाव या दबाव हो सकता है कि हमें नक्सली बना दे, आंदोलन के लिए प्रेरित करे, ये भी विचलन है। मर्टन ने विचलन के कई रूपों की चर्चा की और कहा कि विचलन कि सभी रूपों का कारण अंततः समाज है, सामाजिक संरचना है। कैसी वाली सामाजिक संरचना? विसंगत सामाजिक संरचना, एनोमिक सोशल स्ट्रक्चर। विचलन का कारण समाज है, विसंगतिपूर्ण समाज ही व्यक्ति को विचलन के लिए फोर्स करता है। मैंने 4 संकल्पनाएं, 3 बताया आपको, विसंगति, अनुरूपता और विचलन, और लगभग तीनों का कारण मैंने बता दिया। विसंगति समाज की एक अवस्था जहां समाज के सांस्कृतिक लक्ष्य एवं संस्थागत साधनों के मध्य असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मर्टन ने इसको विसंगति की संज्ञा दी है। अनुरूपता कन्फॉर्मिटी, समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार करना अर्थात व्यक्तिगत अनुकूलन का एक प्रकार। सामान्य तौर पर क्या है? समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार करना, लेकिन ये मर्टन वाला है। अब इसी को थोड़ा व्यक्तिगत अनुकूलन की एक प्रकार,
जहां ध्यान से देखो, जहां व्यक्ति संस्थागत साधनों के माध्यम से सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जहां व्यक्ति संस्थागत साधनों के माध्यम से सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। सामान्य परिभाषा नियमों के अनुरूप व्यवहार, यहां पर थोड़ा सा अलग संदर्भों में बातें घुमा के वही आप देखोगे। जब व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्यों को संस्थागत साधनों के माध्यम से प्राप्त करता है तो उसका यह व्यवहार अनुरूपता कहलाता है। और विचलन डेविएंस, सामान्य तौर पर क्या परिभाषा हुआ बच्चा, समाज के नियमों का उल्लंघन करना, अर्थात वैयक्तिक अनुकूलन का एक प्रकार। जहां, अब यह है आपका मर्टन का, जहां सांस्कृतिक व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्यों या संस्थागत साधनों दोनों से हटकर व्यवहार करने लगता है, ड्रग्स लेने लगा लक्ष्य ही छोड़ दिया, बैंक लूटकर कार टीवी फ्रिज खरीदने लगा, मतलब गलत गैर संस्थागत साधनों से सांस्कृतिक लक्ष्य को प्राप्त करने लगा और आंदोलन करना शुरू कर दिया, मतलब पूरे सिस्टम को डिनाई किया। और भी है, आउटलाइन में दे रहा हूं, मतलब सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन से दोनों से जब हटकर वो व्यवहार करने लगे, इसको विचलन। वही बातें हैं यार, नियमों से हटकर व्यवहार करना, लेकिन थोड़ा सा व्यापक संदर्भ दिया है मर्टन को, अलग संदर्भ दिया है मर्टन ने। जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, हम एक एक स्टेप नीचे उतर रहे हैं। इतनी बातें हो जाने के बाद जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो आज से ज्यादा बेहतर होगी। समाज के नियमों का उल्लंघन विचलन कहलाता है। समाज में व्यक्ति के अनुकूलन का, व्यक्ति का एडजस्टमेंट, अनुकूलन का एक प्रकार है ये। इसमें क्या होता है, व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन दोनों से हटकर व्यवहार करने लगता, ये विचलन है। और अनुरूपता में क्या होता है, व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्य को संस्थागत साधनों के माध्यम से प्राप्त करता। मटन कहते हैं इसके लिए व्यक्ति दोषी नहीं है, इसका कारण समाज है, इसका कारण समाज है, सामाजिक संरचना है, सुसंगत सामाजिक संरचना व्यक्ति को अनुरूपतावादी बना देती है और विसंगत सामाजिक संरचना व्यक्ति को विचलक बना देती है, विचलक बना देती है, विचलक बना देती है। विचलन का कारण, अपराध का कारण विसंगतिपूर्ण सामाजिक संरचना है। मर्टन ने अपने समय के अमेरिकी समाज को विसंगतिपूर्ण सामाजिक संरचना के रूप में दर्शाया और दिखाया कि कैसे यह सामाजिक संरचना वहां लोगों को अपराध करने के लिए, विचलन करने के लिए प्रेरित करती है। विचलन का समाजशास्त्रीय व्याख्या यही है, अपराध का समाजशास्त्रीय व्याख्या मर्टन का, जहां अपराध के कारणों को उसने समाज में ढूंढा, दुर्खिम ने आत्महत्या के कारणों को समाज में ढूंढा कि कैसे समाज की भिन्न भिन्न स्थितियां, याद करो दुर्खिम को, व्यक्ति को फोर्स करती है, व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। मर्टन ने कहा सामाजिक संरचना की भिन्न भिन्न स्थितियां व्यक्ति को फोर्स करती है और व्यक्ति विचलक बन जाता है। तो यही है मर्टन का सामाजिक पृष्ठभूमि, बौद्धिक पृष्ठभूमि, और इसी सामाजिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि में मर्टन का विचार। ठीक है, डन okay।